दोस्तों नमस्कार, मैं और किशोर फिर आपके साथ आज थर्ड लेक्चर। आज बिल्कुल थर्ड। देखो, हमने एक गुरु नीति का आइडिया लिया और आज थर्ड लेक्चर पे आ गए। टोटल 45 करने हैं। तो कहते ना कि काम को शुरू होना ही मुश्किल है, शुरू करने के बाद तो ईश्वर वाहेगुरु अपने आप आपको आगे बढ़ाते रहते हैं। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है जो मोशन इन 1D एंड रिलेटिव मोशन पे। अपने वेक्टर दे दिया बिल्कुल, और अपने यूनिट डायमेंशन दे दिया। तो वेक्टर यूनिट डायमेंशन आपके पास आ गए और ये थर्ड लेक्चर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। स्टार्ट करें, इसमें कुल कितने क्वेश्चन है? 46 क्वेश्चन में हम लोग 1D को और रिलेटिव मोशन को कवर करने का प्रयास करेंगे। आप इसको पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लग भी जाएगा कि हाँ, नीट यहाँ कवर हो जाएगा। देखो दोस्तों, आपको PhD करने नीट पे तब तो अलग बात है, सिंपल नीट में सिलेक्शन चाहिए, रैंक चाहिए, तो आप इन वीडियो को NCERT को, CLC की क्लास को, CLC की टेस्ट सीरीज को, CLC के मॉड्यूल्स को फॉलो कर लोगे ना, तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके, तो किशोर सर शुरू करें भाई। जी बस, मैं बार बार कह रहा हूँ, किशोर मेरा स्टूडेंट भी है, आज हमारी टीम का मेंबर भी है। ऐसे आप देखो, बोर्ड टीम आपके पास हमारे बाबूलाल सर, ललित सोनी आते हैं, वो दोनों मेरे स्टूडेंट हैं। जीरोजी में सुनील सर और इंद्र उपाध्याय सर आते हैं, दोनों यंग लड़के हैं बिल्कुल। ऐसे केमिस्ट भूरा राम जी और विकास कुमार होते हैं, वो दोनों स्टूडेंट CLC के। तो एक पूरी वो टीम आपको साथ गुरु नीति में आई है, या आगे भी वो लोग आएंगे जो CLC में रहे हैं, जिनमें से 90% लोग हैं जो स्टूडेंट थे मेरे कभी, और उसके बाद वो आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हैं। वो चाहते हैं कि बिल्कुल CLC को, सीकर को ऊंचाई दें, नाम दें। ओके, शुरू करते हैं। आउडियो ये कहता है, प्रश्न मूव 30 मीटर नॉर्थ एंड देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड फाइनली 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। देखो दोस्तों, फिजिक्स में फिर वही बात है, कागज पेन जब तक नहीं चलाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। सबसे पहले भाई साहब, आप एक ग्राफ बनाओ। आप जानते हो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। क्लियर, बनाना होगा। ये बंदा तीन तरह चलता है, तो पहले को मैं कहूंगा S1 डिस्प्लेसमेंट कहता हूं, ए डिस्प्लेसमेंट लगाता हूं। कितना चला? साफ कहता है, एक व्यक्ति 30 मीटर उत्तर दिशा में गया। उत्तर का मतलब लोग कलर चेंज कर दूं मैं, उत्तर का मतलब दोस्तों ये हो गया कि ऊपर की ओर गया। तो ऊपर की ओर कौन होता है? ये कौन है? देखो, आई माइनस आई जे प्लस माइनस जे, तो कितना भाई? बोलो भाई, इग्नोर बोलो, 30 जे कैप। बच्चे प्ले पड़ रहा है, स्पष्ट कहता है 30 मीटर उत्तर दिशा में नॉर्थ में गया, तो इसके 30J लगा दो। ये कौन हो गया? S1। अब आप S2 पे आ जाओ। S2 क्या कहता है? 20 मीटर पूर्व दिशा। पूर्व मतलब क्या हुआ? ईस्ट। ईस्ट पे चला, तो फिर इधर चला, मान लो स्पोर्ट प्रेस, तो इधर कौन आएगा? प्लस आई। तो S2 क्या हो गया? कितना भैया? 20i कैप। इसके बाद गौर करो दोस्तों, लास्ट में 30√2 दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम मतलब क्या हुआ? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में यहां चला, यहां कहीं दोस्तों ये चला, कितना चला? 30√2 चला, ठीक है भैया। उसके बाद वो प्रारंभिक बिंदु से उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? साउथ दक्षिण में चलने का मतलब है कि बीचों बीच चला, कॉमन सेंस की बात है। यानी एंगल कितना है? 45। ये भी क्या है? 45। तो इसका अपना कंपोनेंट तोड़ेंगे, ध्यान देना क्लास का। इसके खाली पेज करें भैया, इसका दोस्तों कंपोनेंट तोड़े हैं। दोस्तों किशोर बेटा मेरे को जगह देना। दोस्तों यहां वो चला 30√2, ध्यान देना क्लास, यहां वो चला 30√2, ये एंगल आपका कितना है? 45। ये कोण है? माइनस आई कैप। ये कोण है? माइनस जे कैप। अब इसके कंपोनेंट तोड़ो, इसको मैं S3 कहूंगा। बोलो किशोर, मैं इसे कर रहा बिल्कुल सही। S3 में दोस्तों चलो, आप देखो 30√2, ये कंपोनेंट कौन है? कोस। ये कौन होगा? कोस। तो ये आपके सामने कोस 45 डिग्री और माइनस आई कैप है, प्लस ये कंपोनेंट तोड़ो 30√2, ये कौन है तेरा? साइन 45 और माइनस जे कैप। एक बात और करना स्टूडेंट, इसने 30√2 ही लिया है, क्यों? उसको पता है साइन 45 आएगा, कोस 45 आएगा, 45 साइन का हो चाहे कोस का हो, वैल्यू 1/√2 होती है, वो √2 कट जाएगा। एग्जाम का तरीका होता है, एग्जाम में कभी कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन नहीं आती है। तो मैं इसको यदि थोड़ा सा यहां एस अलग से आपको बना दूं, S3, तो मैं सीधा कर दूं। देखो ये माइनस आई कैप का माइनस बाहर आएगा, 30√2 कोस 45, वो कितना होता है? 1/√2। तो मैं सीधा कर दूं तेरे लिए 30, क्या कर दूं? आई कैप। ये माइनस बाहर निकाल ले, फिर वो कहानी साइन 45, फिर क्या आएगा? 1/√2। ये 1/√2 कट जाएगा, ये क्या आ गया? 30J कैप। ये कौन है? S1। ये कौन है? S2। और ये तेरा कौन बना? S3। ले जोड़ इसमें, ये कितना बचा? -30i कैप। ये क्या है? -30j कैप।
इस प्रकार के प्रश्नों में जो टोटल एस पूछता है तो आप इसको ऐसे सिंपल कर दिया करो, एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री, क्यों कंपोनेंट सब तोड़ दिया अपन ने, अब तो खुद देख ले यार, ये तेरा क्या है माइनस थर्टी आई, ये तेरा क्या है ट्वेंटी आई, तो क्या बच गया रहे माइनस टेन आई, ये क्या है प्लस थर्टी जे, ये क्या है माइनस थर्टी जे, ये तेरा जीरो हो गया। तो एस जो है टोटल रिजल्टेंट वो क्या आ गया माइनस टेन आई, माइनस टेन आई का मतलब क्या हुआ पुत्र, माइनस आई का मतलब ये है, ये कौन है वेस्ट है पश्चिम है। तो दोस्तों क्वेश्चन आना बेटा जी, तो क्वेश्चन आना बेटा जी, तो आपका आंसर हो गया 10 मीटर अलोंग वेस्ट 10 जीरो। तो आंसर क्या हो गया भाई 10 मीटर अलोंग वेस्ट। अब मैं क्वेश्चन खाली कर देता हूं और आपके सामने आपका आंसर आ गया थर्ड 10 मीटर अलोंग वेस्ट 10 मीटर पश्चिम की ओर, बोलो हाँ या ना। यदि ये प्रश्न आपके समझ में आ गया तो आप मान के चलो कि ये एक अपने आप में पूरा कॉन्सेप्ट है। ओके ठीक है, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट। अगले पे आते हैं, सेकेंड पे आ जाते हैं। अभी छोटा क्वेश्चन आ गया, एक बॉडी इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ द टाइम द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट्स एस एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट डी। तो साफ कहता है नियत वेग से चल रहा है, ध्यान चला, कोई पार्टिकल इधर जा रहा है ना, उसकी दिशा बदली ना उसकी परिमाण बदला, तभी क्या हो सकता है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। देखो दोस्तों स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना डियर। तो ऐसी कंडीशन में एक दूरी होती है डिस्प्लेसमेंट, एक होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप जानते हो मैं किस बात को, लोग आपको उसकी तीन संभावनाएं हैं जो आपको मैं एक बताऊं। सबसे पहले एक व्यक्ति चला यहां से और यहां तक गया ए से बी, ध्यान से क्लास का, ए से बी ये दूरी मानो 4 मीटर है, तो यहां डिस्टेंस भी 4 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 4 मीटर है। एक व्यक्ति सपोज करो दोस्तों ऐसे चला 3 मीटर, फिर यहां से चल के वो यहां ऐसे गया 4 मीटर, ये इस बिंदु से इस बिंदु, ए से वो बी पे गया, बी से वो सी पे गया, आपसे पूछे कुल दूरी कितना चली, तो 3 और 4 7 हो गई। लेकिन दोस्तों अगला आपसे पूछ ले इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट दोस्तों ये है जो अपने आप में क्या है 5 मीटर है। क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो क्या है किशोर, पूरी उसके द्वारा तय की दूरी लंबाई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, उस घटना का अंतिम बिंदु उस घटना का प्रारंभिक बिंदु के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, क्या बोला मिनिमम डिस्टेंस है, जिसको अपन परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, लंबो तो बोल दो चाहे मिनिमम बोल दो। तीसरी संभावना क्या है, एक कण चला और वापस वहीं आ गया, ऐसे चल के वापस नहीं आ गया, सपोज करो कि दोस्तों ये चला यहां से और वापस में यहीं आ गया, तो आप ये कहोगे ये पूरा सर्किल है ना, तो इसके द्वारा तय की भी दूरी तो 2πr है, बट इसके डिस्टेंस तो क्या है 2πr और डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। तो आप एक बात ध्यान सुनना, यदि मैं s को कहूं दूरी, d को कहूं मैं डिस्प्लेसमेंट, तो आप देखो गांठ बांध लेना, विस्थापन कभी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है, तो शून्य भी हो सकता है। यहां देखो यहां दूरी विस्थापन है बराबर है, यहां दूरी 7 है विस्थापन 5 है, यहां डिस्टेंस या दूरी 2πr है और डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब ये कह रहा है नियत वेग, ये रहा एक रेखा पे चल, इसका मतलब डी और एस दोनों क्या है बराबर है। तो मैंने एक बात को समझाने की कोशिश की, बस बहुत कॉमन बात थी, फिर भी नीट में प्रॉब्लम आई हुई है। अब अपन तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, देखो परिमाण और दिशा में नियत बल के प्रभाव में विराम में स्थित कण का पथ क्या होगा, ध्यान दे क्लास है। द पाथ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स फिक्स्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक ही दिशा में कोई बल लगे तो जरा बताना किसो सर क्या आंसर होगा इसका वाला। रेस्ट है तो रेस्ट पार्टिकल पे अगर अपन बल लगाएंगे सर, तो आरोपित बल की तरफ वो चलना शुरू कर देगा, बात होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये लो बिल्कुल सिंपल सी बात, देखो यहां भी एक बात सुनो, यहां भी 3 क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल खाली करता हूं मैं। ये कोई बॉडी है और फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, ये यूं मैं कह दूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कोण थीटा बराबर 0 है, तो पथ होगा स्ट्रेट लाइन। यदि दोस्तों एफ और डी के बीच कोण 90 डिग्री है, तो पथ हमेशा क्या होगा सर्कुलर। और दोस्तों याद करो पैराबोलिक पाथ है, दोस्तों ये देखो याद करो, जब ये एंगल ना 0 हो और ना 90 हो तो पाथ क्या होता है पैराबोलिक। ओके क्वेश्चन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट
यदि उनके बीच एंगल जीरो है तो क्या है स्ट्रेट लाइन, और लंबवत है हमेशा क्या होगा तो सर्कुलर। और दोस्तों ना जीरो हो ना 90 हो तो आंसर क्या होगा पैराबोलिक पथ, पैराबोलिक पथ की गति। बातों बातों में एक प्रश्न और हो गया। इस तरह से हम लोग 45 वीडियो आपको देंगे। मेरा सा मानना है कि जो आदमी को अपने ईगो में जीता है भाई भाई बात करता है उसकी बात हम करता नहीं। एक सिंपल सा छोरा बिल्कुल अपना 12th पढ़ा है किसी फाउंडेशन किया उसको 160-150 मार्क्स फिजिक्स में लेके आने हैं। इस बार की बात नहीं कर रहा, बहुत पीजी पेपर था। आप इन्हें गुरु नीति को देख लेते हैं ढंग से कर लेते हो तो एग्जाम में एक कॉन्सेप्ट आते हैं, लॉजिक आते हैं। कुछ लोग क्या हाई फाई क्वेश्चन निकालते रहते हैं जिनका एग्जाम से कोई सिर्फ पूछ नहीं है। भैया नीट 20 का पेपर देख ले, 19 का देख ले, 18 का देख ले, 17 का देख ले, 16 का देख ले, 5 पेपर देख ले। एग्जाम में 40 क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, कई बार 5 गंदे आ जाते हैं, 19 और 20 वो भी नहीं आए, पर उन 5 के चक्कर में 40 गलत करके नंबर आखिर सो आते हैं और बाहर होता कंपटीशन से। नीट में वो लड़का सबसे जल्द सेलेक्ट होता है जो प्रैक्टिकल बात करता है, डाउन टू अर्थ बात करता है, जो हाई फाई बात करते हैं वो बड़ी किताबें ले आते हैं और वो अनावश्यक गाइडें खरीद लेते हैं, वो अक्सर मार खा जाते हैं इसमें। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मेरा मेरे उन बच्चों से निवेदन है जिसको अपना 160-150 स्कोर लेना है इजीली वो इनको फॉलो करते जाए। बाकी दोस्तों हम तो सब कुछ आपके भले के लिए कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगे कोई बात नहीं, हम तुम्हारा प्रयास कर रहे हैं, हम हमारा ये कर रहे हैं। ओके डियर आगे चले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं एक बार रिपीट मार देता हूं। चाल अदिश, वेग सदिश, दूरी अदिश, विस्थापन सदिश, यानी स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर, डिस्टेंस स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके डियर आ जाओ, इसमें दोस्तों साफ पूछा गया है एवरेज स्पीड 40 है, एवरेज वेलोसिटी होती तो अलग आंसर हो जाता है कई बार भैया, दांत चीज का औसत चाल अलग है और औसत वेग अलग है। आ जाओ जी पढ़ो इस क्वेश्चन को। वो कहते हैं कार 200 मीटर की दूरी चलती है। आप एक बात सुनो दोस्तों, आप 200 मीटर को भूल जाओ, इसको डी मान लो। एक कार ए से बी तक जाती है और ये टोटल डिस्टेंस जो है दोस्तों ये आपकी डी है, स्टार्ट यहां से कर लो। अब वो कहता है कि आधी दूरी है, इसको एक्स पॉइंट मान लो आप, चलो इस पॉइंट को आप एक्स कर दो, ठीक है। आधी डिस्टेंस का मतलब हो गया आपका डी बाई टू डिस्टेंस है, वो कवर कर रहा है ये 60 से कवर कर। अच्छा किलोमीटर पर आवर है, आंसर किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और अगली डिस्टेंस जो है वो तय कर रहा है ये 20 से, कौन सी डिस्टेंस है दोस्तों डी बाई टू। बस अब देख लो, अगर स्पष्ट कह रहा है ए से बी गया वो डिस्टेंस कितनी है डी, यहां डिस्टेंस कितनी है डी बाई टू, स्पीड क्या है 40, अगली डी बाई टू क्या है वी, ठीक है डियर। एक बार कलर चेंज कर ले पेन का। अब देखो दोस्तों अगला मुझसे एवरेज चाल पूछता है तो मैं क्या कहूंगा, टोटल डी अपॉन टोटल टाइम टी वन प्लस टी टू। मान लो यहां से यहां तक का टाइम टी वन है और यहां से यहां तक का टाइम टी टू है, ये टाइम टी वन है ये टाइम टी टू है। अगला पेज खाली कर बेटा जी, अब तेरे सामने सामने तू पहले टी वन निकाल, तो अपन जानते हैं वेग बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा वेग, तो डिस्टेंस कितनी है डी बाई टू, वेग कितना है, वेग कितना भाई v1 बोल दो, चलो इसको v1 बोल दो। अब आप t2 पे आ जाओ, t2 पे वही है डिस्टेंस कितनी है डी बाई टू, वेग कितना है v, एक ही बात है, मैंने 60 को v1 कह दिया, इसको मैंने v1 कह दिया, इसको मैंने v2 कह दिया, रिप्लेस कर दूंगा, ये तेरा टोटल टाइम आ गया। आ जा भैया अब तेरे सामने v, टोटल डी तो क्या है बोल किसो, टोटल डी ये क्या है डी बाई टू वी वन प्लस डी बाई टू वी टू वी इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन में आ जाओ औसत चाल साफ है 40, वापस क्वेश्चन खड़ा कर, ये तेरा क्या आ गया 40 आ गया, ठीक है डियर। एक बार थोड़ा सा कलर चेंज करूं तेरे लिए मैं, अब आगे देख ये 40 आ गया ना, अब देख डी यहां रख, इस 40 को बाहर ले और अंदर क्या होगा रे dy2 v1 plus dy2 v। अब देख फिर भी थोड़ा सी एक बात कर दूं तो एक काम कर dy2 इसमें से कॉमन बाहर निकाल ले, 40 पढ़ा ही पड़ा है, dy2 बाहर निकाले क्या बचेगा 1 बट्टा v1 plus 1 बट्टा v, ये d से d कैंसिल आउट। अब मैं इन सबको मिटा देता हूं क्योंकि तुम देख चुका है समझ चुका है, तेरे को दोबारा देखना हो तो वीडियो में पीछे जाके देख ले, ये तो क्लास तो है नहीं ऑफलाइन, ये तो फायदा इसका। अब तेरे सामने सामने हो गया तो दो इधर लिया दो इधर चला गया, ये तेरा 40 है, 1 बटा v1 कितना है 60, v तेरे को फाइंड आउट करना है। आ जा डियर इसको इधर लिया
अभी पूरा करूं क्या, लेकर दो यार, तो 1/v क्या होगा रे, 1/20 माइनस 1/60, आप 60 का एलसीएम ले लो, तो कितनी बार गया, तीन बार गया, एक बार गया, कितना बचा 2/60, कितना बचा 1/30, चेंज कर लो, तो दोस्तों 30 किलोमीटर पर आवर पूरा कर दिया भाई, क्वेश्चन आ गया बेटा, एक डाउन सॉल्यूशन, ये रहा 30 किलोमीटर पर आवर पूरा कर रहा हूं, लॉजिकली कर रहा हूं। हां, इस प्रश्न में एवरेज स्पीड पूछे चाहे एवरेज वेलोसिटी, दोस्तों जब स्ट्रेट लाइन के मूवमेंट होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है, तो चाहे स्पीड का हो चाहे वेलोसिटी का हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे चल बेटा जी, भगवान आगे निकाल बेटा, आगे देखो, एक बिल्ली समान चाल वी यू से अक्ष वाई तक जाती है और एक समान चाल से वापस वाई से अस तक आती है, उसकी औसत चाल क्या, यह है प्रश्न शानदार। यदि इस प्रश्न में यह किशोर कह देता औसत वेग तो क्या बोलते हैं, जीरो। सुनो भैया, देखो अक्ष से वाई तक बिल्ली गई, ए अक्ष से वाई तक बिल्ली गई और वापस वाई से अक्ष बिल्ली आ गई, साफ कह रहा है वापस बिल्ली वाई से अक्ष आ गई, यहां इसकी स्पीड क्या है, वी यू है, फिर इसकी स्पीड क्या हो गई, वी डी हो गई। कहां सुन ले रहे बेटा, यदि इस क्वेश्चन में मुझसे पूछता एवरेज वेलोसिटी क्या है तो आंसर बोले साथ क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जहां से चले वापस वहीं आ गए, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, बट एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती, तो वही कहानी पहले वाले का, इस दूरी को डी मान ले, इस दूरी को डी मान ले, इस समय को टी वन मान ले, इस समय को टी टू मान ले, वेग इसका वी वन है, वेग इसका वी टू है, तो भैया तेरे को औसत स्पीड निकालनी है, तो कुल डिस्टेंस क्या होगी रे, डी प्लस डी, डी गई डी वाले ना टूट जाएगा ये मेरा, और ये तेरा क्या हो गया भैया, टी वन प्लस टी टू, सीधा कितने तेरे लिए, अब तू तेरा टू डी आ जा, टी वन क्या है बोल, वेग बराबर मेरे तो, मेरे को बता, वेग बराबर है दूरी बटा समय, समय बराबर है दूरी बटा वेग, ऐसे माने दोनों टीचर्स में बात कर रहे हैं, दूरी बटा समय, दूरी क्या कहेंगे डी, समय वेग क्या है, समय बराबर वेग बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा वेग, वेग क्या है वी यू, और ये क्या होगा D/VD, yes. बस होगी बातचीत, ठीक है डियर। अब अगला तेरे से पूछ क्या रहा है कि तेरे को औसत चाल चाहिए, पेज खाली कर ले बेटा जी, तो औसत चाल चाहिए, तो ये औसत चाल इस लाइन खाली, तो एक सिंबल होता औसत का, ये देख तेरे सामने 2D आ गया, आ गया, और इधर देख, इधर तू इसका डी कॉमन लेते हैं, डी कॉमन ले ले, चल डी कॉमन ले ले, तो यू वी और वी डी एलसीएम आ जाएगा, तो क्या बचेगा VD प्लस UV। ओके डियर, अब आगे देखो, तो ये तेरा 2D अपॉन D VD प्लस VU अपॉन VU VD, इसको कैंसिल आउट कर दे, इसको उल्टा कर दे, तो ऐसे हो गया, और ये मेरा प्रिय प्रश्न हो गया 2VU VD VD प्लस VU, इसका दोस्तों इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आपका, मेरे को सीधा फॉर्मूला आता है 2V1 V2 गुणा V1 प्लस V2, बोला है ना, बिल्कुल सही, ईश्वर ने चाहे तो नीट 2021 प्रॉब्लम है, ये है औसत चाल, और यदि ये आपसे पूछ ले औसत वेलोसिटी क्या है तो क्या हो जाएगा भैया, जीरो, तो ये बहुत प्यारा फॉर्मूला है 2v1 गुणा v2 बटे v1 प्लस v2। आ जा भैया आंसर दिखा, कौन सा है इसका, तो तेरे सामने सामने आंसर क्या आ गया बेटा, फर्स्ट आंसर हो गया इसका, देखो क्यों भाई, बिल्कुल सही, आराम मजा बात का, अरे फिजिक्स मुश्किल नहीं है यार, कुछ नहीं, अरे थर्ड क्लास में पढ़ाया था गुरुजी ने, वेग बराबर दूरी बटा समय, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही तो पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया यार, चलो आगे चलो, आ जा भैया फिर आ जा, ये प्रैक्टिस के लिए सेम प्रोसेस है, ये प्रैक्टिस, अब एक काम कर, ये क्वेश्चन दू एक बार, मेरा सॉल्यूशन का वीडियो रोक और क्वेश्चन उतार खुद कर, पहले जाओ पोज कर ले वीडियो और मेरा उसके बाद सॉल्यूशन देख, तब आपका होमवर्क कवर, ये होमवर्क है मेरे बेटे के लिए, ये तेरे को होम असाइनमेंट दे रहा हूं, स्कूल में होमवर्क मिलता क्लासों में, आ जा पूरी बात कर, क्वेश्चन दिखा भाई, क्वेश्चन दिखा भैया, छठे क्वेश्चन बच्चे ने पढ़ लिया, बड़े आदमी, एक कार तय की गई कुल दूरी का 2/5 भाग V1 चाल से, शेष भाग है 3/5 भाग से V2 औसत चाल से, क्वेश्चन देखो, जब तक पेन कॉपी में नहीं चलाओगे तब तक तो फिजिक्स आई नहीं सकती, और अपने दिल पे हाथ रखी पूछा, आप में से बहुत से बेटे बेटियां हैं जो फिजिक्स को ऐसे बैठ के पढ़ते हैं, और एक बात और कर भी दूं, कुछ लोग 11वीं 12वीं स्कूल से पढ़ के आते हैं, फिर कोचिंग में आते हैं,
बारी मार आप टारगेट बातें करते हैं, वो फिजिक्स पर लेनी पड़ती, न्यूमेरिकल्स नहीं होते। अपने दिल से पूछो आपने 11वीं 12वीं में कितने न्यूमेरिकल निकाले थे, तो सर को चलते हैं वहां तो निकाले नहीं हम लोगों ने, तो निकाल दें। डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल पढ़ने ही पड़ेंगे। मैं नाम कोट नहीं कराऊंगा, तू कहेगा मुझे बायोलॉजी आ रही है, मेरी सीएससी का मेरा बेटा है एक जिसके साथ बायो में नीट में 355 नंबर हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। सुन ले मैं माफी चाहूँ, बच्चा नाम कोट नहीं कर सकता मैं, 355 नंबर बायोलॉजी में सिलेक्ट नहीं है, पढ़ते बिना फीस आ जा। सुन लो, एक कार आ जा, एक ये कार, ये माना कि पी बिंदु से क्यू बिंदु तू गई, टोटल दूरी के माने डी, उसका 2/5 भाग, एक इसको अपने इसको अक्ष कह देते हैं, ये एक्स पॉइंट है वो, ठीक है। इसका अगला साफ कहता है 2/5 भाग ए, 2/5 डी, किस वेग से तय करता है, वी वन वेग, तो पीछे कितना बच गया 3/5, 3/5 डी, डी लगा इसके टोटल का डी लगा दे, किस वेग से तय करता है, वी टू से, इसका समय क्या है टी वन, इसका समय क्या है टी टू, सेम कॉन्सेप्ट है। अगला कहता इसकी औसत चाल बताओ, तो भैया पेज खाली कर दे रहे, अब आ जाओ दोस्तों, सबसे पहले औसत चाल पूछिएगा, तो टोटल दूरी कितनी है भैया डी, नीचे क्या टोटल टाइम, बोल बोल बोल, T1 + T2, ले मैं इस बच्चे को साइड में बदे, तू T1 निकाल दूं, ओ बेटा T1 क्या होगा, किशोर के सामने बेटा सामने किशोर जी, यस यस, मैं माफी चाहता हूं, मैं किशोर उच्चारण कर रहा हूं, मैं स्टूडेंट है इसलिए, वो खुद ही कहते हैं वो से, वेग बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा वेग, दूरी कितनी 2D/5, वेग कितना V1, अब T2 आ जा, दूरी कितनी भैया 3/5D, वेग कितना V2, ये तेरा T1 T2 हो गया। वैल्यू पुट करो, ए जैसे ही वैल्यू पुट की मैंने यहां पर 2D 5V1 3D 5V2, ओके डियर, इसको मिटा दो, तेरे पास तो पड़ा है, तेरे दिक्कत आए तो ये तो फायदा ऑनलाइन क्लास का जाके देख ले। अब देख वी औसत, ये तेरा डी है, एक काम कर इसमें डी बाहर निकाल ले, पहले डी बाहर निकाल लू तो क्या बचेगा, क्या बचेगा 2/5 V1 / 3/5 V2। चल डियर डी से डी काट देते हैं, ठीक है। अब ऊपर तो एक हो गया, नीचे देख भैया 5V1 V2 करेंगे तो ये तो आएगा 3V2 और ये आएगा 2V1, क्लियर, वो तो आएगा 3 2 2 2 2 आएगा, बिल्कुल कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात है, आप इसका लघुतम लो, 5V1 V2 इधर आएगा 2V2 प्लस 3V1, इसको दोस्तों उल्टा कर लेते हैं, तो जैसे आप इसको उल्टा करोगे तो आपका है 5V1 V2 / 2V2 + 3V1, ओके। आप कुछ निकाल बेटा, तो तेरे सामने है पूरा 5V1 V2 3V1 पहले आएगा, लेकिन आपको खास करने पड़ता, ओके डियर, ये मिटा दो और ये तेरे सामने आंसर आ गया चौथा। अब सुन ले, ये तीन प्रश्न करने के बाद भी तेरे समझ में नहीं आया तो भाई जी मेरे को तेरा नमस्कार, क्या कहूं यार, सही मैंने तेरे को तीनों सोल्व कर दिए लेकिन तीनों देखने से नहीं आएंगे, कागज पेन जैसे मैं और किशोर से मेहनत कर रहे हैं बोर्ड पे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिजिक्स है भाई जी। एक बता, साइकिल कोई आदमी सीखता तो कुछ नोट्स है क्या उसके, कोई साइकिल आती है प्रैक्टिस से, पानी में तैरना सीखना है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, गाड़ी चलाना है प्रैक्टिस, गाड़ी चलाने की, साइकिल सीखने की, स्विमिंग की, कोई नोट्स नहीं है, जब तक पानी में नहीं उतरोगे तब तक आपको कभी नहीं आएगा। बड़े बड़ा प्यारा जोक है, हमारे कई बच्चे कहते हैं मैं फिजिक्स को तब तक नहीं पढ़ूंगा जब तक न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, अब मैं कहता हूँ फिजिक्स तब तक नहीं आएगी जब न्यूमेरिकल नहीं करोगे। चलो आगे चलो भैया, साथ में आ जाओ, ये थोड़ा सा ये नया कॉन्सेप्ट, पक्का पक्का क्वेश्चन, ए पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड S1 एंड 20 सेकंड S2, दोस्तों सीधा सीधा फंडा होता है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जब भी कोई कण स्टार्ट होता है रेस्ट से, ध्यान चाहूंगा, जब भी कोई कण, गांठ बांध ले इसको, जब भी कोई कण स्टार्ट होता है रेस्ट से, तो पहले सेकंड में यदि वो S दूरी चलेगा तो अगले में वो चलेगा 3S, फिर वो चलेगा 5S, फिर वो चलेगा 7S, इसका रेशियो होता है 1:3:5:7। तो दोस्तों यहाँ S2 = 3S1, ये तो इसका आंसर हो गया, कहीं कोई डाउट ही नहीं है। ये प्रश्न मैं आपको करके बताता हूं, पेज खाली कर। इसका दोस्तों सबसे अच्छा एग्जाम्पल है,
तीन वाली बात करता हूँ, कल रात को बात कर रहे थे, ये कोई पार्टिकल छोड़ा मैंने u बराबर जीरो से, छोड़ा u बराबर जीरो से, हो गया ना, u जीरो हो गया, किसमें गिर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स में, तो किसमें गिर रहा है, कॉन्स्टेंट फोर्स में, पहले एक सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी, तो s ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, u क्या है जीरो, तो s वन इक्वल टू जीरो प्लस हाफ g की वैल्यू 10 है, t एक सेकंड, a का स्क्वायर, दोस्तों ये डिस्टेंस आएगी 5 मीटर, पार्टिकल पहले सेकंड में कितना चला 5 मीटर, ये कितना चला 5 मीटर, अब 2 सेकंड में कितना आएगा, तो 2 सेकंड में पार्टिकल दोस्तों यहां पहुंचेगा, 2 सेकंड में कितना आएगा, आप देखो s2 तो 0 प्लस हाफ है वो तेरा, और ये 2 का स्क्वायर, तो तू जानता है 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 40 की 2 का भाग कितना आ गया भैया 20 मीटर, तो पार्टिकल कितना चला डीएल 20 मीटर, कितने सेकंड में 2 सेकंड में, अब 3 सेकंड में कितना चलेगा पार्टिकल s3, देख फिर 0 0 क्यों, यू तो 0 है ना, यहां से 1 सेकंड में 2 सेकंड में 3 सेकंड में प्लस हाफ g का मान वो 10 t स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 90 का आधा क्या हो गया 45, ऐसे याद कर ले, मैं याद कर दूं, 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 45 मीटर, 4 सेकंड में 80 मीटर और 5 सेकंड में 125 मीटर, ये याद करने, डॉक्टर बनना है क्या, बनना है, याद करने पड़ेंगे, नहीं साइड हो जाएगा, किसी और को मौका दे, यदि किसी कण को विराम से रेस्ट से शुरू करें और अंडर कॉन्स्टेंट फोर्स काम करे, वो चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, सुन ले, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, तो पहले सेकंड में चलेगा 5 मीटर, फिर चलेगा 20 मीटर, फिर चलेगा 45 मीटर, फिर चलेगा 80 मीटर और फिर चलेगा 125 मीटर, तो देख ले, अब देख अब यहां एक बड़ी प्यारी क्वेश्चन है, 2 सेकंड में चली दूरी और दूसरे सेकंड में चली, जैसे एक सिंपल बात है, थोड़ा साथ हो रहे मेरे, एक आदमी कहता है कि तूने 6 दिन में कितनी चपाती खाई, तुम्हारा मैस में रहता है वो डेली तो 6 रोटी खाता है, तो 6 6 36 36, तुझसे कोई पूछे कि 6 दिन में रोटी कितनी खाई मैस की, तो तू आंसर क्या देगा साहब 36, और तुझसे कोई पूछे 6 दिन में कितनी खाई, तो आंसर क्या देगा 6, तो 5 सेकंड में चली दूरी और 5वें सेकंड में चली दूरी, तो दोस्तों पहले में चला 5, 2 में चला 20, तो फर्स्ट सेकंड में ये चला 5, सेकंड सेकंड में चला ये 15, और थर्ड में कितना चला 20 से 35, कितना चला भैया 25, फोर्थ में कितना चला 45 से 80, कितना चला 35, और फिफ्थ में कितना चला 45, तो भैया देख रेशो देख ले, 5 15 25 35, 5 से काट दे 1 3 5 7, लो बुलाया ना, और ये मस्त चाबी है, एक सेकंड में चलेगा 5, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 45, 4 सेकंड में 80, 5 में 125, पहले सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में 15, तीसरे सेकंड में 25, चौथे सेकंड में 35, 5 सेकंड में 45, ये एक्सटेंड किशन हो गया भैया, बोल राजी है, ये तरह मिटाते हैं बस, इसमें एक छोटी सी बात ये खाली करके बता, हाँ बता, ऊपर बताएं, हाँ जैसे अपन ने अभी बात शुरू करी, जैसे किसी पार्ट को अपन ड्रॉप करेंगे, तो पहले सेकंड मोशन दूरी तय करिए 5 मीटर, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तब बनता है कि जब हम नीचे से किसी वस्तु को फेंके और ये पूछे कि आप बताओ, आप बताओ, ओनली उस बात बताने के लिए लोग बता दो, तो बोलता जा अपने किसी वस्तु को फेंका ऊपर की ओर, यस यस, अब इसको अपन किसी वेग से फेंके, ठीक है, चाहे 10 है 20 है 100 है 500 है, ठीक है, पर हाइट कम होनी चाहिए, ठीक है, तक जी कांस्टेंट, हां जी मतलब जी वेरिएबल नहीं हो, वो तो खैर बात सिलेबस हो गई है, उस समय ये पूछे कि अंतिम सेकंड में कितनी दूरी तय करी, सर तो हमेशा उसका आंसर है 5 मीटर, क्या बात, और ये बहुत बच्चे गलती कर बैठते हैं, चलो एक काम करते हैं, एग्जांपल देते हैं, हाँ। दोस्तों माना कि मैं 50 मीटर पर सेकंड से एक वस्तु ऊपर की ओर फेंक रहा हूं, बिल्कुल, तो पहली बात तो ये कि 50 मीटर पर सेकंड की वस्तु को उच्चतम बिंदु तक जाने में समय क्या लगेगा, तो दोस्तों वो जो आपका समय है वो है यू बाई जी, v इक्वल टू यू प्लस gt, v क्या है जीरो, माइनस है भैया, u माइनस माइनस क्यों है, देखो 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 सुनो, हम 50 मीटर पर सेकंड से एक वस्तु ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, g किधर है नीचे की ओर, तो v इक्वल टू, तो मेटल वाली दूं मैं, v इक्वल टू क्या आएगा u माइनस gt, अंतिम बॉडी कोण है रेस्ट, v क्या हो गया जीरो, u क्या है 50,
जी टी, जी 10 होता है तो टी का मान क्या आ गया 5 सेकंड, यानी इस वस्तु को यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा 5 सेकंड। अब उल्टा कर ले, यदि मैं इसको यहां से छोड़ता और ये 5 सेकंड बाद टकराती तो कॉमन सेंस की बात है दूरी कितनी होती 125 मीटर, तो 125 मीटर होती तो वही बात है पहले सेकंड में कितना चलती है 5 मीटर, तो अंतिम में क्या चलेगी 5 मीटर। सिंपल सी बात, ये क्वेश्चन पूछा था एक बार, क्या बात है कि अपन 50 से फेंकते हैं जोरदार, तो अंतिम क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड क्वेश्चन दिमाग बन के आया है। और दूसरा कहते हैं कि 200 मीटर से अपन फेंका, हाँ तो अंतिम में कितना सही है, रेशियो पूछ लिया सही सही है भाई, अनुपात 1:1 है, हो गया 6 क्वेश्चन। थैंक यू, आगे चलेंगे किशोर सर, अगला निकालो, आ जाओ दोस्तों, ये वही क्वेश्चन देखो, इसका अपन जो बात की है ना उसका भगवान पाने दे बेटा, ये उसका एग्जांपल है। आया इसको करते हैं देखो, एक वस्तु एक बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाँ ध्यान देना ये सारा खेल स्टार्ट कब है रेस्ट से, नीट तैयारी कर रहा ना, इतना आएगा नीट में, विथ कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन वो जी, अरे किसी वस्तु को हम छोड़ते हैं तो किसमें गिरती है वो जी में गिरती है, अरे भाई जी बहुत ऊपर जाने पे घटता बढ़ता लेकिन हमारा सिलेबस नहीं, हमारे कांस्टेंट जी में काम होता है। फिर वो कहता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 5th सेकंड टू द कवर्ड इन 5 सेकंड, अभी बता दिया मैंने, वो कहता है 5वें सेकंड में तय की गई दूरी, दोस्तों तुम खुद जानते हो 5वें सेकंड में जो कुल तय की गई दूरी है वो कितनी होती है, कितनी होती है 45 और 5 सेकंड में तय की दूरी कितनी होती है 125। तो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया, अब ये तेरे को याद करना ही पड़ेगा, एग्जाम इतना टाइम नहीं निकालता है। हाँ एक चीज और है, मैं खाली करता हूं, एनीवे सेकंड में तय की गई दूरी का भाग है, फॉर्मूला होता है एक, अपन जानते हैं वो होता है u प्लस a बाय 2 टू n माइनस 1, ये मानता हूं मैं, इसको ऐसे लगाते हैं, दिस इज नॉट डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड। 6 दिन में खाया गया खाना नहीं पूछ रहा अगला, 6ठे दिन में कितना टिकाया तूने, मैं चपाती आपको पूछ रहा अगला तेरे से, अरे मैं सब कैसे खाना खाता है यार, मम्मी के पास खाता होगा, रोटी तो खाता है कि नहीं के? चलो आगे आ जा भाई, 9 में आ जा, बोर नहीं हो रहे हो ना, लेकिन वैसे क्या बोलते हैं यार, वैसे बॉस काउंटिंग करके तो हॉस्टल में खाते हैं खाना, ये बात भी सही, फिर नहीं खाते हैं, सही बात है। आप ये साहब फिर एक नया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल अगला कॉन्सेप्ट आ गया, आ जा भैया देख ये तेरी सड़क है पूरी क्वेश्चन बना, एक व्यक्ति 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रारंभ करती बस के पीछे 25 मीटर पीछे स्थित है, ये मैं थोड़ा बस का चित्र बना दो, थोड़ा सा राइटिंग डायग्राम मेरा सुंदर नहीं होगा, मैं का जो ये व्यक्ति हुआ, एक व्यक्ति 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति, ए पर्सन इज 25 मीटर, डिस्टेंस कितनी है ए पर्सन 20 बस, व्हेन बस स्टार्ट एक्सीलरेटिंग, बस स्टार्ट लड़के बस स्टार्ट मतलब u = 0 और a = 2, बस स्टार्ट का मतलब फ्रॉम रेस्ट होता भैया, a = 2 मैन स्टार्ट मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ये दोस्तों अपने 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट, देखो ये सुनो रे, जब वेग नियत है तो एक फॉर्मूला आता है वेग बराबर दूरी बटा समय, सीधी सी बात, तो कहता है उसके द्वारा बस को पकड़ने में कितना समय लगेगा, एक बार तो फिजिक्स को भूल जाए, एक सुन मेरी बात सुन, ये बस है ये इधर जा रही है, आदमी चला यहां से तो बस भी चलेगी आदमी चलेगी, माना कि ये वो जगह है जहां आदमी बस को पकड़ लेता है, तो दोस्तों आदमी के द्वारा टोटल दूरी हो जाएगी 25 प्लस डी, क्योंकि बस कितना चलेगी डी, पर आदमी को 25 एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, बोलो है ना, ये कोई बस है कार बस कुछ बोल दो, बस यू 0 है ए 2 से चलती है, कितना चलेगी डी, और उसी समय आदमी चलता है, इसमें सबसे सुंदर बात है इस न्यूमेरिकल में टाइम टी, आदमी भी टी चलेगा, आदमी भी कितना समय काम कर रहा है टी समय, बस भी कितना समय काम कर रही है टी समय, तो समय दोनों का समान है, बट बस के द्वारा तय की दूरी डी है और आदमी के द्वारा तय की दूरी 25 प्लस डी है, क्योंकि तो आदमी बस से 25 मीटर पीछे है, तो ऐसे दौड़ेगा तो 25 वो भी कवर करेगा और फिर जाके बस को पकड़ेगा बस, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अपन सबसे पहले क्वेश्चन खाली कर ले,
आदमी के लिए अपन कहें वेग बराबर दूरी बट्टा समय, वेग बराबर दूरी बट्टा समय। बोल भी किशोर जी, वेलोसिटी कितनी है 10, दूरी कितनी है 25 प्लस डी। अब तू इस बस के लिए आ जा, तो बस का फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी। बोल हाँ या ना? Yes. ना मेरे पास v नहीं है तो मैं इसकी जिक्र नहीं करूंगा, मैं जिक्र करूंगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देख लड़के, मैं इस वीडियो को एड कर सकता हूं ना, मैं करूंगा नहीं, मैं वो सारी संभावनाएं बढ़ाऊंगा। जैसे मैंने v इक्वल टू यू प्लस एटी लिखा, मेरे पास v नहीं है, s कितना है d, U कितना है 0, A कितना है 2, T कितना है TT है, ये तेरा कैंसिल आउट हो गया। तो दोस्तों D की जगह क्या आ गया, T स्क्वायर आ गया। बस तो देख, ये तेरा 10 इक्वल टू D प्लस 25, और जहां T लिखा हुआ है, T नहीं सॉरी, जहां एक बार फिर से लिख देता हूं मैं इसको, ये तेरा 10 जहां D लिखा हुआ है वहां क्या कर दे, T स्क्वायर। तो दिस इज T स्क्वायर, ये 25 D, और ये मैं खाली कर लूं, तो तेरे पास तो क्वेश्चन पढ़ा है पहले से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तेरे सामने क्या था, ये T है ना। अब देख, ये तेरा कोण है 10T इक्वल टू क्या है, T स्क्वायर प्लस 25। तो ये तेरे सामने है T स्क्वायर माइनस 10T प्लस 25 इक्वल टू 0। तो दिस इज T माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दोस्तों T इक्वल टू 5 सेकेंड। बोलो हाँ या ना, क्वेश्चन निकाल भैया। T इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद ये व्यक्ति इस कार को पकड़ देगा। ध्यान दे इस क्लास को भैया, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है डियर, वो बहुत सिंपल प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम बहुत तसल्ली से करने के लिए आपको दोस्तों इन प्रॉब्लम के साथ ढंग से रहना पड़ेगा भैया। बोलो हाँ या ना, एक बार मिटा देता हूं और फिर समझो, बस आगे है आदमी पीछे है, उसको पकड़ेगा तो बस चलेगी डी, आदमी 25 प्लस है डी, और दोनों इस घटना का समय अलग अलग नहीं है। ओके आगे चल, इसमें एक अचानक प्रश्न आया, पहले आप पूछो, पूछो बताओ कि जिस समय मैन कार को क्रॉस करेगा, हाँ गलती से अपन ये पूछ लेना कि उस समय इन दोनों की कौन सी प्रॉपर्टी सेम है। सही है, वेलोसिटी है या एक्सीलरेशन है या फोर्स है या पोजीशन है। ठीक है, तो सबसे सिंपल है कि पोजीशन दोनों की सेम से, बाकी कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी सेम हो नहीं सकती, कुछ भी फोर्स सेम हो, उन दोनों की पोजीशन सेम है। थैंक यू, आगे चलो भैया। ये एक अच्छा थ्योरी क्वेश्चन है, इसको अपन डिस्कस, फॉर ए मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट टाइम, किसी गतिशील वस्तु के लिए किसी क्षण किसी पर्टिकुलर, क्या कहता है, इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग द एक्सीलरेशन इज डिस्टेंस जीरो। वो कहता त्वरण अनिवार्य रूप से शून्य होगा यदि वस्तु गति नहीं कर रही है, नहीं हो सकता। दोस्तों याद करो, हम किसी कण को ऊपर फेंकते हैं तो उच्चतम बिंदु पर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, फिर त्वरण वहां भी जी होता है। नेक्स्ट, मंदन वापस आ भैया, मंदन ऋणात्मक होगा यदि वस्तु की चाल कम हो रही है। मंदन ऋणात्मक का मतलब तो भैया त्वरण हो गया, त्वरण हो गया, मंदन और नेगेटिव दोनों मिलकर तो पॉजिटिव हो गए। तो दोस्तों जब चाल कम हो रही है तो एक्सीलरेशन नहीं होता है भैया, उस समय क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, पर रिटार्डेशन और नेगेटिव दोनों साथ आ गए तो क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। थर्ड देखो, इफ द बॉडी इज स्लोइंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, दूरी ऋणात्मक होगी, दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है। यदि उस क्षण पे विस्थापन वेग और त्वरण ज्ञात हो तो आगे किसी भी समय विस्थापन ज्ञात किया जा सकता है, इतना ही कह सकते हैं इस आंसर। फोर्थ, ये क्वेश्चन फोर्थ आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पहला दूसरा तीसरा तीन स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। ओके डियर, आगे चले, आगे आ जाओ भैया, फिर वो आ गया बहुत बड़ा क्वेश्चन। एक ट्रक और कार समान वेग से गति, इन प्रश्नों में सारा खेल इस बात का है कि समान ऊर्जा है या समान फोर्स है या समान वेग है, और ब्रेक लगाने पे दोनों कुछ दूरी पे जाके रुक जाते हैं। ब्रेक का मतलब दोस्तों क्या होगा, मेरा साफ कहता देखो, ए ट्रक एंड कार आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी ऑन अप्लाइंग द ब्रेक, बोथ, ब्रेक का मतलब होता है एक्सीलरेशन, मंदन माइनस वेग। सिर्फ इसको अपन पहले एक मैं बता दूं, आप बताएं इसमें कि जैसे मान लो एक बॉडी है, इसको अपन सरफेस पर रखे हुए हैं, ठीक है, और इसको मान लो मैंने यू वेग दे करके छोड़ा, ठीक है, और सरफेस कैसी है, फ्रिक्शन फुल है, ठीक है, तो फ्रिक्शन फुल होने पर इस पे नीचे फोर्स आपका लगा mg, ठीक है, ठीक है, तो गति की प्रवृत्ति आगे है तो फ्रिक्शन फोर्स आपका हो गया पीछे इस तरफ, अब n इक्वल टू mg हो जाएगा, तो ये फोर्स आपका लग गया देखो म्यू mg, बिल्कुल लगेगा,
ठीक है ठीक है। अब इस तरफ कोई फोर्स है नहीं, हाँ। अब गति की ठीक विपरीत बल लग रहा तो वो मंदन का काम करेगा, ठीक है। तो अब इसे मंदन कितना हो, पर पहले इस चीज को कंफर्म करना पड़ेगा कि इसमें अपन कौन सी क्वांटिटी को कॉन्स्टेंट मानेंगे, ठीक है, बल को मानेंगे या त्वरण को मानेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें अपन लगाते हैं इक्वेशन, मैं लगाता हूँ इसमें इक्वेशन आपकी फर्स्ट, इसको फाइनली स्टॉप करना है अपने को, वी इसका फाइनल होना चाहिए जीरो जीरो, और इसमें हमें मंदन निकालना है, तो मंदन निकालना है तो मान लो डिस्टेंस इसकी हो गई डी, डी पे स्टॉप होना है इसको, ठीक है। तो अपन थर्ड इक्वेशन लगाए, मान लो थर्ड इक्वेशन अपन लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यस, या सिंपल अपन देखिए त्वरण होता क्या है उसी बात करते हैं, नेट फोर्स अपॉन मास, नेट फोर्स बाई मास, तो नेट फोर्स हमारे पास तो कितना है म्यू एम जी, वो गति के अपोजिट है, तो माइनस का म्यू एम जी सर बाई एम, एम सी एम कैंसिल आउट। तो अब यहां से अपन बिल्कुल अब अधिकारपूर्ण तरीके से कह सकते हैं कि ए इक्वल टू म्यू जी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, वस्तु की प्रकृति पे डिपेंड नहीं कर रहा, सही है। नहीं, मैं एक बात बहुत किलो आपने की, थैंक यू डियर, ध्यान सुन लो, फ्रिक्शन का टॉपिक मेडिकल में बहुत आसान है, आईटी बात नहीं करता मैं, मेडिकल में यदि फर्श पे फ्रिक्शन नहीं है तब तो आपका वो ए होगा, और फ्रिक्शन है तो हमेशा ए इक्वल टू म्यू जी होगा, सीधा फंडा सुन लो, फ्रिक्शन नहीं है और सरफेस है चल रहा है तो ए कहेंगे, लेकिन फ्रिक्शन आते ए रिप्लेस बाय म्यू जी हो जाएगा, हाँ, क्या कह रहे हैं आप इसमें, इसमें दोनों के मास अलग अलग हैं, सही है, अब मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, मास आई नहीं रहा, इसलिए अपन इसमें के मंदन को कांस्टेंट मान करके अपना कॉन्सेप्ट लगा, यस। अब इसलिए ये इसलिए किस तरह से बताया आपको कि इसमें आपको कह रहे हैं कि ब्रेक जो है, हाँ। तो ब्रेक कौन लगा रहा है, फ्रिक्शन, तो ब्रेक कांस्टेंट का मतलब फोर्स कांस्टेंट नहीं मानना है, क्या मानना है, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन यानी एक्सीलरेशन को देखिए बात नेगेटिव को, वो आपका क्या है कांस्टेंट। आए अब अपन आगे बढ़े, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में अपन आप खुद कह रहे हो ये एक ट्रक है और ये एक कार है, दोनों को रोकना था ना, अंतिम तो बराबर है, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस, यस। अब वी क्या है जीरो, तो u square equal to क्या है 2as, अब आप क्या कह रहे हो a क्या है equal है, तो s directly proportional क्या है u square है, अगला साहब कहता है एक ट्रक और कार समान वेग से, वेग भी समान, तो s भी दोनों का समान होगा, तो रुकने से पहले ट्रक और कार दोनों समान दूरी तय करेंगे, थर्ड आंसर हो गया। एक बार मैं फिर से पूरी क्लास का दोस्तों ध्यान चाहूंगा, पूरी क्लास एक बार बहुत सिस्टमेटिक तरीके से दोस्तों मेरे साथ हो जाए, सुनो एक मिनट, यहां अगला कहता है अप्लाइंग ब्रेक जो है वो समान है, किशोर ने बड़े प्यार समझाया फ्रिक्शन का ब्रेक लगे, फ्रिक्शन नहीं होता ब्रेक है लगते नहीं, तो यहां ए कांस्टेंट हो गया, ए इक्वल टू माइनस म्यू जी है जिसका मास का कोई रोल है नहीं है, और अल्टीमेटली स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू, अब आपको याद करना है, ये तो समझा दिया हमने, अब आपको टीचर थोड़ा बनना है, आपको तो स्टूडेंट रहना है, तो आप याद रखो समान ब्रेक का मतलब है त्वरण समान है या मंदन समान है, रिटार्डेशन में तुरंत अलग बात है, समान ब्रेक का मतलब होता है रिटार्डेशन है समान है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, v इससे जीरो हो गया कि दोनों रुकनी है, तो u स्क्वायर इक्वल टू 2as हो गया, अगला कहता है a समान है तो s u स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, अगला खुद कह रहा है u समान है तो दोनों समान दूरी चल के रुकेंगे, ओके डियर थैंक यू डियर, ट्रांजेक्शन आ गया, तो आगे चले बेटा, किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो कण की गति क्या है, देखो दोस्तों अब मैं एक नई बात पे पेज खाली कर दिया दोस्तों, यहां मैं किशोर मेरी वाली बात पे आता हूं, देखो दोस्तों सबसे पहले होता है डिस्टेंस, फिर होती है वेलोसिटी, फिर होता है एक्सीलरेशन, यहां 10 मिनट लगेंगे, आज वीडियो तो लंबा हो सकता है दोस्तों, सिंपल सी बात है, आप यदि वेलोसिटी चाहते हो तो आप इसको एक बार अवकलन कर दो, आप त्वरण चाहते हो तो वेग को एक बार अवकलन कर दो, और डियर डिस्टेंस को आप दो बार अवकलन डिफरेंशिएट कर दो, ये आपका फॉर्मूला हो गया, उल्टा चलना है तो इसका करो इंटीग्रेशन a का तो v आएगा, v का करोगे तो s आएगा, s के अवकलन से v आता है, v के अवकलन से a आता है, a के समाकलन से v आता है, v के समाकलन से s आता है, इधर चलो तो इंटीग्रेशन है, सॉरी इधर चलो तो डिफरेंशिएशन है, उधर चलो तो इंटीग्रेशन है, इज क्लियर, बस अब आ जा क्या करना चाहता है क्वेश्चन में आ जा, अगला साहब कहता है विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है, लड़के विस्थापन टाइम के स्क्वायर के समानुपाती है, आजा इसको तू ds / dt बना, तो ds / dt तो बनेगा इसका 2t, वो कौन सा पता क्या फर्क पड़ता है, और एक बार तू इसको और डिफरेंशिएट करेगा d स्क्वायर s dt स्क्वायर, तो ये तेरा भाई बन जाएगा 2k, तो k तो कांस्टेंट, सुन
ये है वी, तो वी में तो टू टी आ गया, टी कभी कॉन्स्टेंट हो सकता नहीं, टी परिवर्तनशील है तो इसका वेग तो परिवर्तनशील है, बट ये आपका जो एक्सीलरेशन है वो टू के है, के कांस्टेंट है कोई, क्योंकि यहां डायरेक्ट प्रोपोर्शन था ना, तो दोस्तों कांस्टेंट है। अपर ले क्या है, समान त्वरण से असमान त्वरण से क्या हो गया, समान त्वरण से क्यों ए इक्वल टू के, समान बोलते एक बात कांस्टेंट बोलते एक ही बात, क्वेश्चन हो गया, कॉमन क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे पांच छह क्वेश्चन आएंगे, चलो आगे, बिल्कुल चला गया। क्वेश्चन नंबर 13, ये लोग फिर आ गए। अक्ष अक्ष के अलोम कोई बॉडी इस प्रकार से गति करती है, आजा भैया इसका एक काम कर स्क्वायर कर ले, तो स्क्वायर करेगा तो t प्लस 1 का होल स्क्वायर, अक्ष बराबर t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये तो बन गया इक्वेशन। अब वो कहता है पिंड का वेग क्या है, आजा भैया वेग निकालने का मतलब उत्तर है, इसका तू dx by dt कर दे, इसका तू dx by dt करेगा तो तेरा 2t प्लस 2 प्लस 0 आएगा। अब ये क्या कहता है, पढ़ ले, एक्स अक्ष के अनुदिश पिंड का विस्थापन समय डिपेंड कर रहा है, तो वो कहता है पिंड का वेग क्या है, तो तेरे सामने सामने v का मान भाई 2t प्लस 2 है, बच्चे t आ गया ना, t कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, तो इसका अच्छा और प्लस और है, एक t का मान एक रख तो कितना आया, दो दो चार दो तो छह, वेग समय के साथ बढ़ भी रहा है, वेग समय के साथ बढ़ेगा, तेरा आंसर क्या आ गया फर्स्ट फिट। चलो आगे 14th में आ जा, कोई प्रिय प्रश्न आ गया अपना, ये मैं तेरा डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस के लिए हमने आपको क्वेश्चन दिए कि 1D में काम का ही होता है। चल क्या कहता है, वो कहता है एक्सीलरेशन ए ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कहां से हुआ बेटा रेस्ट, वेरी विद टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन ए, देख ध्यान दे बच्चे, ए इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा, उल्टा करना है, पहले क्या किया था अपन ने ए से वी पूछा था, इस बार वी से सॉरी ए से वी पर आ रहे हैं, विराम से गतिमान कण का त्वरण ए है, दोस्तों कहता है बताओ टी समय पश्चात वेग क्या होगा, तो वेग क्या होगा, आजा भैया तो खुद जानता है लड़के ए इक्वल टू क्या होता है रे डीवी बाई डीटी, लिख ले भैया आजा, ए इक्वल टू क्या है डीवी बाई डीटी, ये तेरा क्या है अल्फा टी प्लस बीटा, आजा भैया पेज खाली कर ले, ओके डीएल अब तो तेरे सामने सामने है, डीवी इक्वल टू क्या हो गया अल्फा टी प्लस बीटा मल्टीप्लाई क्या है भैया डी टी, देख डियर इसको जीरो से वी कर दे और इसको जीरो से टी कर दे, ये तो करेंगे क्योंकि जब जब इंटीग्रेशन आएगा एक लोअर लिमिट आएगी एक अपर लिमिट आएगी, बॉडी पहले किसमें है विराम में है, तो पहले वेग क्या है जीरो, समय क्या है जीरो, समय कितना माना टी, तो टी में कितना वेग होगा वी, बस अब तेरे सामने कहानी हमारी बर्दर, तेरे सामने जो कहानी है तो आजा ये एक हो गया, तो एक का समाकलन क्या होता है वी, कहां से कहां जीरो से वी, अरे आता है क्या ये वी का वी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन एक होता है, तो एक का इंटीग्रेशन है वी होता है। अब इधर आ जा, इसका तो वही है अल्फा टी का क्या होगा, याद है डी स्क्वायर बटे दो, बीटा के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा बीटा टी, कहां से कहां रहे जीरो से टी, अरे पले पड़ रहा है क्या, ये नहीं पढ़ने पड़ रहा तो भैया ये तेरे को मैं साइड में समझा दूं, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता, भूल गया क्या x n प्लस 1 बटे n प्लस 1, क्योंकि एक बार ऐसे डाउट बच्चे भेजते रहते हैं कैसे आ गया साहब, अरे भैया मैं इसको डिफरेंट इंटीग्रेट कर रहा हूं, ओके डियर अब ये अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर माइनस लोअर, तो v माइनस 0 इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर बाई टू प्लस बीटा टी माइनस जीरो, तो ये ले भैया वी इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर बाई टू प्लस बीटा टी, ये ले भैया ये एक वृष्टि का फॉर्मूला हो गया, जरा आंसर निकाल बेटा जी, इसको मिटा दूं मैं, अल्फा टी स्क्वायर बाई टू प्लस बीटा टी, ये ना भैया ये तेरा सेकंड आंसर आ गया। यहां मैंने तेरे को इंटीग्रेशन करना बताया है, ये प्रश्न तो एक भाना है, इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस है, इसलिए कई बच्चे कहते हैं मुझे वेक्टर नहीं आता, मुझे अवकलन नहीं आता, मुझे समाकलन नहीं आता, जब तक आप क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करोगे तब तक भैया कुछ नहीं आएगा, बोले सुन ले बोला है ना, एक बार क्वेश्चन नहीं पले पड़ा तो दोबारा वीडियो पीछे करके फिर देख ले, क्योंकि आगे मत पढ़े, यदि तेरे ये इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया तो आगे कहते ही मजा, एक बार पले पड़ गया तो भाई कभी जिंदगी में नहीं निकालना पड़ेगा फिर इसको, मतलब याद रटा नहीं मारना पड़ेगा, ये डायलॉग है मेरा, एक बार कोई आदमी गाड़ी चलाना सीख लेता है बोलता है क्या कभी, एक बार कोई आदमी ड्राइविंग सीख लेता बोलता नहीं है ना, वो एक बात
फिजिक्स के साथ है। एक बार अवकलन समाकलन न्यूमेरिकल करना सीख गए तो मैं कहता हूं बूढ़े भी जाओगे ना तो अपने पोती पोतू पढ़ाते रहोगे कि ऐसे हम पढ़ते थे, बोलो कभी नहीं। आज आगे चल फिर आ जा, फिर भी क्वेश्चन है। अगला साहब कहता है मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन डिस्क्राइब्ड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 8 प्लस 12 t माइनस t क्यूब वेयर x इज द मीटर, तो देना पड़ता है द रिटार्डेशन ऑफ ए पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। देखो दोस्तों ये कहता है x इक्वल टू 8 प्लस 12 t माइनस t क्यूब, साहब कहता है वेग शून्य होने पे कण का मंदन क्या है, वेग शून्य क्या बोलता है वेलोसिटी 0, तो ऐसा कर सबसे पहले इसकी वेलोसिटी बढ़ा, तो वेलोसिटी बनाने की तो जानता है इसका, तो समय के सापेक्ष एक बार अवकलन कर दे, कर दिया ये तेरा 0 ये तेरा 12 याद है 3 तेरा नीचे आ जाएगा ये तेरा 3t स्क्वायर भूल गया क्या, x की पावर n का अवकलन क्या होता है n x n माइनस 1 बोल हाँ यहां होता है ना, n नीचे आता ऊपर का कम हो जाता है, पेज खाली करना भैया अब तेरे सामने है देख, तो अब तू खुद कह रहा है ये कौन है वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है 12 माइनस 3t square equal to 0, तो तेरे सामने सामने 3t square equal to 12, तो तेरे सामने t square equal to 4, तो दोस्तों t का मान आ गया 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड में वेग क्या है किशोर 0 है। अब आप एक बार बिठाओ वापस को सुन लाओ, अब आपको इसका क्या चाहिए त्वरण, तो त्वरण चाहिए तो भैया एक बार देख ये मेरे साथ दोबारा सुझा dx by dt किया तो क्या आया 0 प्लस 12 माइनस 3 टी स्क्वायर, अब भैया इसका तू एक बार फिर अवकलन कर dx स्क्वायर dt स्क्वायर तो ये 12 फिर 0 हो गया और इतना क्या बच गया रे माइनस 60 बच गया, यानी जो तेरा त्वरण है वो माइनस क्या आ गया 60 आ गया और t कितने सेकंड पे वेग 2 पे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस 12। अब देख अगला बड़े प्यार से कहता है मंदन पूछा है तो माइनस अपने आप कहां चला गया, सुन ले रे ये प्रश्न बताओ खतरनाक कब होगा जब एक ऑब्जेक्ट माइनस 12 हो और एक ऑब्जेक्ट प्लस 12 हो तो भी उत्तर क्या होगा प्लस 12, जान दे। अगला पूछे त्वरण कितना है, हेलो लड़के इसका व्हाट एक्सीलरेशन, तो आंसर माइनस 12 आता, अगला पूछे रिटार्डेशन कितना है तो रिटार्डेशन बोलने के बाद माइनस चिन्ह नहीं लगता है तो आंसर क्या हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे चलो भैया फिर आजा, ये हमारा फिर लाडला क्वेश्चन है, वो कहता था वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल v v नोट gt प्लस ft स्क्वायर, अगला साहब कहता है x 0 t 0, इसका मतलब क्या है x 0 से t 0 से मोमेंट स्टार्ट हुआ है देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड बाद आपको इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए। आजा भैया तो तेरे सामने v इक्वल टू v नोट प्लस gt प्लस ft स्क्वायर, लड़के क्या चाहिए तेरे को डिस्प्लेसमेंट, आजा आजा भूल गया क्या v इक्वल टू क्या होता है dx by dt, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा v गुणा dt होता ना, v इक्वल टू क्या है dx by dt, तो dx क्या हो जाएगा भैया तो तेरा v है उसको मैं क्या लिख दूं भैया dx by dt एक ही बात है, ये तेरा क्या है v नोट प्लस क्या है रे gt प्लस क्या है ft स्क्वायर, पेज खाली कर ले बेटा जी, अब तेरे सामने सामने है dx तो इधर लिखे और ये तेरा क्या है रे v नोट प्लस gt प्लस क्या पुत्र बोलो बोलो सर बोलो भैया f c स्क्वायर, इसे गुणा कर दो dt से, मैं पेन चेंज कर तेरे लिए इसका भाई समाकलन कर दे, तो कहां से कहां 0 से 1 सेकंड 0 से 1 सेकंड और 0 से x x, मैंने 0 से 1 क्यों ले गया क्वेश्चन में आजा। अगला साहब कहता है 1 सेकंड के बाद क्या है, स्टार्ट कहां से हुआ 0 से, जाना कहां तक है 1 पर, मैं स्टार्ट कहां से हुआ 0 से, कहां तक गया 1 तक, दूरी मुझे नहीं पता x, तो मैं कहां से गया 0 से, कहां जाऊंगा x पे, पेज खाली कर ले बस, तो तेरे सामने इसको तो मिटा देते हैं भैया, तो ये तेरा लफड़ा वो 1 है तो 1 का समाकलन क्या होगा x, कहां से कहां वो लोअर लिमिट अपर लिमिट, आ जा भैया ये तेरा कौन है v नोट t और ये क्या है जी टी स्क्वायर बाई 2 ये क्या है एफ टी क्यूब की पावर 3/3 कहां से कहां रहे 0 से 1 यस अपॉन हो गए याद है ना टी का समाकलन क्या होगा और एक्स की पावर एन का क्या होता है इंटीग्रेशन एक्स एन प्लस 1/n+1 तो ये तेरा अक्ष हो गया अब टी की वैल्यू पुट कर 1 ये तेरा 1 हो गया ये तेरा क्या हो गया जी बाई टू हो गया ये तेरा क्या हो गया एफ बाई 3 हो गया और माइनस क्या है 0 मतलब भी नहीं है एक्स इक्वल टू वी नोट प्लस जी बाई टू प्लस एफ बाई 3 क्वेश्चन निकालना भैया वी नोट प्लस जी बाई टू एफ बाई 3 सॉल्यूशन
ये तेरे सामने आंसर आ गया भैया जी, सेकंड आंसर। मेरे हिसाब से डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के हमने ठीक से समझा दिया आपको, बिल्कुल। अब आपको आगे नहीं बढ़ना है, मेरी समझ में नहीं आए तो दोबारा देखें, इनको दोबारा देखोगे तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी इनसे। ओके डियर, आगे चलो भैया, फिर वो जा रहे, फिर से एक और प्रैक्टिस है, किसी कण के विस्थापन का समीकरण आ जाओ। दिस इज इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी फोर। अगला साफ कह रहा प्रारंभिक वेग और त्वरण, प्रारंभिक का मतलब दोस्तों हमेशा होता टी इक्वल टू जीरो, प्रारंभ का मतलब है समय जीरो, इनिशियल जीरो। ओके डियर, एक बार अवकलन कर, बोल बोल किशोर, बोल पुत्र, डी वाई बाई डी, ये क्या है जीरो, ये क्या है बी, ये क्या है टू सी टी, ये क्या है फोर डी टी क्यू। तेरे को टी का मान जीरो पुट करना है, जैसे टी का मान जीरो पुट करेगा सब जीरो हो जाएंगे। इस त्वरण को चलो अपन अल्फा कर देते हैं समझने के लिए, वेलोसिटी, ये वी है तो तेरे सामने वी का मान तो किसके बराबर हो गया भैया, तेरे सामने वी का मान तो केवल किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया। अब मैं इसी स्टेप को एक बार आगे और अवकलन कर दूं, तो इसको एक बार और अवकलन करोगे डी वाई स्क्वायर डी टी स्क्वायर, ये प्लस जीरो है, ये बी वाला भी जीरो हो गया, टू सी टी तो कितना बच गया भाई टू सी, और ये क्या है माइनस चार थी बारह माइनस बारह डी टी स्क्वायर। दोस्तों इसको अपन त्वरण कह दें तो ए कह दे सपोज करो, तो ये तेरे सामने क्या आ गया, ये जीरो आ गया, क्या आ गया भाई टू सी आ गया, तो वेग तो बी है और त्वरण टू सी है, आंसर क्या आ गया भैया थर्ड आ गया। आप समझ रहे हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, केवल आपकी प्रैक्टिस करवा रहे और इसी पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके नेक्स्ट, ये मेरा प्रिय प्रश्न है, ये मैं जब टीचिंग करता था तो मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से करता था, और लड़के को आपको खुशी होगी सुनना इस क्वेश्चन को, उसको मतलब सोल्व देने पढ़ देना बेटा, ये सॉल्यूशन देखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूं आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आ जा जो कुछ अर्थ का सुनो, 6.25 मीटर पर सेकंड की चाल से एक गाड़ी मंदन की दशा, सूर्य अर्थ क्या है, एक गाड़ी चल रही है जिसकी स्पीड है 6.25 मीटर, उसके मैंने ब्रेक लगा दी है, कितना ब्रेक लगाया ये रहा बस। तो कहता है वस्तु को विराम अवस्था में आने में समय क्या लगेगा, ध्यान सुन ले, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरी गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड क्या है 6.25 मीटर पर सेकेंड, और मैंने उस पर क्या लगा दिया ब्रेक, और गाड़ी को रोक रहा है बस, सीधी सी बात। तो तेरे पास डीवी बाई डीटी है, ये देख ध्यान से, डीवी बाई डीटी देख दोस्त, ये है डीवी बाई डीटी इक्वल टू है माइनस 2.5 रूट वी बस, और वेलोसिटी क्या है 6.25 पे, ध्यान देना यहां 6.25 ही क्यों लिया, रूट 2.5 ही क्यों लिया, पले पड़ेगा आपके पेज खाली कर बे भगवान, पेज खाली कर बेटा। अब देखो दोस्तों ये प्रश्न ऐसे है, ये एक गाड़ी है ठीक है, इस समय इसकी कोई स्पीड है u, इसका इस समय t इक्वल टू क्या है जीरो, और ये गाड़ी दोस्तों यहां आके रुक गई तो इसका v क्या हो गया जीरो, और टाइम माना कि कोई क्या हो गया t बस। तो स्पीड तो u से करनी है जीरो पर, और टाइम जीरो से t पे, तो स्पीड तो इनिशियल u है और अंतिम जीरो है, समय इनिशियल तो जीरो है और बाद में टी है, तो ये तेरे सामने की व्यवस्था है, इसको मैं तेरे लिए एक समझाने की बात थी, अब मिटा देता हूं मैं। अब दोस्तों मैं इसको आगे लूं तो आप खुद देखें, डीवी आप इधर रखो माइनस 2.5 रूट वी, ये क्या है डी टी, लेकिन वी को इधर लाना पड़ेगा क्योंकि टी के साथ वी काम ही क्या भैया। तो दोस्तों ये आपका डीवी माइनस को भूल जाओ 2.5 रूट वी इक्वल टू माइनस डीटी, बोलो बच्चो मजा रहा बात का, अब इसका करो इंटीग्रेशन ये ले। लेकिन ये कहां से कहां होगा, ये होगा वी से जीरो और ये होगा जीरो से टी बस, इसकी सुंदरता यही है। इनिशियल कौन है वी, वी कितना 6.25, कितना रहे 6.25 कुछ दिखाना भैया एक मिनट, कितना रहा ये रहा 6.25
वापस आगे पेज, तो 6 पॉइंट गाड़ी रुक रही है लड़के, गाड़ी रुक रही है, इनिशियल कितना है 6.25, फाइनल क्या है 0, टाइम क्या है 0, कहां पर गया टी पर, ए पेज खाली कर लेता हूं तेरे लिए, अब आ जा, अब देख 2.5 को बाहर निकाल, अपॉन 2.5 को बाहर निकाल ले, अब तू इसका समाकलन कर, नीचे रूट वी है, नीचे रूट वी है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा वी माइनस हाफ, तो एक ऊपर जोड़ दे मतलब पूरा कर दो और ऐसे कर दे यार, और 6.250 तक ले जा, माइनस लगा और इसका समाकलन टी कर दे, कहां से कहां जीरो से टी, बोल भी किशोर बोल आया ना, नीचे वी की पावर रूट है, ऊपर जाएगा वी माइनस हाफ होगा, इंटीग्रेट करेंगे हम, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये देख उत्तर इस 2.5 को तो फिर बाहर रख, अब आ जा यहां से, यहां चल, ये तेरा कौन है रूट वी, कितना है रूट वी अपॉन ये क्या है तेरा माइनस प्लस हाफ, प्लस हाफ, तो प्लस हाफ का मतलब तेरा ये दो ऊपर चला गया ऊपर इक्वल टू माइनस टी, ये तो टी हो गया, अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये तेरे को समझ में आ गया, अब डी अगला क्या कह रहा है, अब देख और कहां से कहां जाना है 6.25 से जीरो पे जाना है, तो देख बच्चे 2/2.5 अपर माइनस लोअर, तो अपर तो क्या आया रूट वी, लोअर क्या आया माइनस 6.25 इक्वल टू क्या आया माइनस डी, मैंने तेरे को अभी बताया था एक कहानी बताई थी तेरे को मैंने, ये 6.25 क्यों आया इसका, इसका रूट 2.5 है, ये ले पड़ी बस, इसका रूट क्या होता माइनस 2.5, ये माइनस टी, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2.5 2.5 कैंसिल आउट है, तो दोस्तों टी का मान आ गया 2 सेकंड, दोस्तों एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन का है बेटा टी का मान आपके सामने सामने दोस्तों आ गया टी इक्वल टू 2 सेकंड, क्वेश्चन बिठा देता हूं टी इक्वल 2 सेकंड, इससे अच्छा क्वेश्चन इस टॉपिक में नहीं हो सकता जी गारंटी अपने, ठीक है चलो आगे आ जा भैया, ये अच्छा क्वेश्चन है, वेग कितना है 1 से 2 सेकंड के बीच चली गई दूरी, फिर एक बार तेरा मैं इंटीग्रेशन कर दूं, ये तेरा at प्लस क्या है भैया bt स्क्वायर, अगला कह रहा है चली गई दूरी तो v क्या होगा dx/dt इक्वल टू क्या है at प्लस bt स्क्वायर, पेज खाली कर ले भैया, तो जैसे तो पेज खाली करेगा इधर कौन आएगा तेरा dx, इधर कौन है भैया at प्लस bt स्क्वायर इंटू dt, इसका समाकलन कर कहां से कहां 0 से x, या कहां से कहां क्वेश्चन आ जा, क्वेश्चन में आ जा, क्वेश्चन में आ जा भैया, क्वेश्चन में आ जा भैया, 1 से 2 भगवान वापस आ जा, 1 से 2 भगवान ऐसे नहीं है, 1 से 2 बस मिटा इसको, चलो भैया ये तेरा 1 तो ये तेरा अक्ष हो गया, इसका मैं समाकलन कर दूं at क्या होगा रे at² / 2, bt स्क्वायर क्या होगा भैया bt³/3, कहां से कहां 1 से 2, अब थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस में भी पुट कर दूं, पर 2 रखो तो देखो आपके सामने सीधा कर दूं भाई t का स्क्वायर तो होगा 4 - 1 = 4, 4 से 2 कैंसिल बचा 2a, ठीक है ये कितना होगा 8, तो 8/3 प्लस 8b/3 माइनस आ जा भैया ये एक है तो क्या आया a/2 और ये भी एक है तो क्या आया b/3, तेरी पूरी बात कर दो भैया 2a + 8b/3 माइनस a/2 प्लस माइनस 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 b/3, ओके डियर इसको एक कर दे, 6 लगता हूं ले ले, तो कितना हुआ 12a हो गया, ये 2 बार गया ना yes. तो 16b हुआ, क्योंकि 3 बार गया तो 3a हुआ, 2 बार गया तो 2b हुआ, गुणा भाग करेंगे 12a - 3a कितना आया 9a, 16b - 2b कितना बचा 14b, अपॉन कितना बचा 6, क्वेश्चन आ जाए जुड़ा जाए भैया ऑब्जेक्ट में दोस्तों ऐसा कोई आंसर नहीं है चेंज है, तो 9/6 को 3/2 कैसे तेरा 3/2 a और 7/3 भी हटा दे, क्वेश्चन को हटा दिया, क्वेश्चन ला क्वेश्चन ला ए आ गया बिल्कुल, ओके थैंक यू आगे चले, फिर देखो अब दोस्तों कण के गति और वेग के समय के मध्य बनाए गए ग्राफ में यहां एक कॉन्सेप्ट है उसकी बात करूंगा, पेज खाली कर दिया दोस्तों, मैं मेरी क्लास का एक श्रेष्ठतम कोर देने जा रहा हूं आपको, देखो डियर हम कुछ ग्राफ खींचेंगे ऐसे,
इधर सब जगह टी टी है, कहने की बात नहीं है। डी एस एस टी एस टी एस टी एस टी, पहला ग्राफ मैं ऐसे खींचूंगा, फिर मैं ग्राफ ऐसे खींचूंगा, ठीक है भैया, और फिर मैं एक ग्राफ आपका, एक ग्राफ आपका ऐसे हो गया, 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 ये पांच ग्राफ हो गए, ठीक है भाई, थोड़ा सा ध्यान से बैठ जाओ। डियर के पांच ग्राफ पे वापस आऊं, पेज खाली कर लेता हूं। सबसे पहले एक सुंदर ग्राफ देखो, एस और टी के बीच यदि मैं ग्राफ खींचता हूं और उसकी ढाल सपोज करो थीटा है, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, तो तुम जानते हो दोस्तों टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ओ ए अपॉन ए बी, ओ ए क्या है एस, ओ बी क्या है टी, और ये क्या होता है वी, तो दोस्तों ये एक फॉर्मूला बन गया वी इक्वल टू टेन थीटा। इसका मतलब है एस और टी के बीच जो कर्व खींचते हैं उस कर्व की जो स्लोप है वो किसको बताती है, वी को। और अगली चीज तो खुद कह रहा है v इक्वल टू s बाई t, तो s इक्वल टू होता है v मल्टीप्लाई t, शायद पार्टिकल का इससे अच्छा कोई लॉजिक नहीं हो सकता, आप लोगों के पास ज्यादा रहूंगी पढ़ाता हूं समय दोस्तों, s और s इक्वल टू v गुणा t और v इक्वल टू क्या है s बाई t, ओके डियर। तो अभी आपको एक ही बात पकड़ दी यहां पर कि s और t के बीच जो कर्व खींचते हैं उसकी जो स्लोप है वो किसको बताती है, वेलोसिटी वेलोसिटी। तो अब आपको मैं मेरे उन पांचों ग्राफ पे एक एक लेके आता हूं दोस्तों, ये t है, ये s है, ये तेरे सामने, तो इसकी स्लोप क्या है जीरो, इसका वेलोसिटी क्या है जीरो है, ये आपका t है, ये आपका s है, इसकी स्लोप क्या है फिक्स है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है फिक्स है। तीसरा पॉइंट आपको दे दूं, ये t है, ये s है, ये माना s कुछ वेरी कर रही है, तो अलग अलग पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है, अलग अलग पॉइंट अलग 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 है, तो इसकी स्पीड क्या होगी परिवर्तित परिवर्तनशील। लेकिन एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये t है, ये s है, यहां कुछ स्लोप है। देखो दोस्तों स्लोप धीरे धीरे बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रही है, इसका मतलब वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, इसका मतलब वस्तु त्वरित हो रही है, ये एक वस्तु एक्सीलरेट हो रही है, इस वस्तु का समय के साथ वेग बढ़ रहा है। और मेरी क्लास का एक सुंदर सा दूसरा पॉइंट, और मैं ऐसे ग्राफ खींच दूं तो देखो जैसे जैसे तुम आगे जाओगे इसकी स्लोप घट रही है, किशोर बाबू वेलोसिटी घट रही है, यानी मंदगामी है, ये कांस्टेंट, एक गाड़ी रुकी हुई है, इसका वेग जीरो है, इसका वेग कांस्टेंट है, इसका वेग वेरिएबल है, ये समय के साथ वेग बढ़ रहा है, ये समय के वेग घट रहा है, ये समय के साथ त्वरित हो रही है, एक्सीलरेट हो रही है, ये समय के साथ मंदित हो रही है, रिटार्ड हो रही है, बोलो हाँ या ना। ये एक प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब अगले पॉइंट, इसमें एक बहुत से बहुत शानदार प्रश्न, ये जो ग्राफ मैंने बनाया बाकी सब अपने हो गए, इस ग्राफ में यदि मैं एक ग्राफ थोड़ा ऐड कर दूं यहां से, हाँ ये ग्राफ ऐड कर रहा, ठीक है, इसको हमने करा वन, हाँ ये करा हमने टू, अब इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये है यहां पर इसमें टी जीरो पे इसकी वेलोसिटी नॉन जीरो है, स्लोप नॉन जीरो है, सही है, और इसका स्लोप जीरो है, सही है, ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हाँ, और स्टार्ट वेलोसिटी, एनी वेलोसिटी, यस, ये इसमें थोड़ा डिफरेंस, थैंक यू। इसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा, अगला फिर एक ऐसा ग्राफ हम खींचते हैं वी और टी के बीच, जो पहले कौन होता है एस होता है, तो एस और टी पे खींचा, अब हम दोस्तों वी और टी पे ग्राफ खींचे, तो वही बात, वही आपका थीटा, वही कहानी, वो आपका ओ, वो आपका ए, ये आपका बी, ये दोस्तों आपका वो टेन थीटा, वो टेन थीटा इक्वल टू आप जानते हो ए बी बटा ओ बी, व्हाट इज ए बी, वो आपका वी है, ये आपका टी है, ये आपका टेन थीटा है, ये आपका ए होता है, तो दोस्तों ए इक्वल टू क्या आ गया रहे वी बाई टी, बाई टी बुलाया ना, यस, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच जो कर्व खींचते हैं उसकी स्लोप किसको बताती है त्वरण को। तो दोस्तों अब इस ग्राफ पे आता हूं मैं, आगे देखो, देखो आ जाओ, तो एक कर्व तो ये है, एक कर्व ये है, और एक कर्व ये है, तीन की बात कर ले यहां, तो दो किसके बीच है वी और टी के बीच, किसके बीच भाई वी और टी के बीच, किसके बीच वी और टी के बीच, दोस्तों यहां स्लोप है जीरो, इसका इसका त्वरण क्या है जीरो, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गाड़ी चल रही है, इसकी स्लोप क्या है निश्चित पॉजिटिव है, इसकी स्लोप क्या है नेगेटिव, ये नियत त्वरण से चल रही है, ये नियत है मंदन से, देयर आर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देयर आर कांस्टेंट रिटार्डेशन। अब दोस्तों एक बहुत सुंदर चीज और मैं कहना चाहता हूं,
जैसे मैं कोई वी और टी के बीच कर्व खींच दूं तो उसके द्वारा जो कवर्ड एरिया है मेरी क्लास की सबसे सुंदर चीज है वी इक्वल टू एस वाई टी होता है और एस इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी होता है। आज के पास का सिस्टम बोल रहा हूं वी और टी के बीच जो कर्व खींचा जाता है उस कर्व का जो कवर्ड एरिया है वो दोस्तों हमेशा किसको बताता है डिस्टेंस। अब एक बात सुन लेना, सारा कुछ लाइन के ऊपर है तो उसको ऊपर कह देंगे डिस्टेंस कहो चाहे डिस्प्लेसमेंट कहो, पर कुछ एरिया लाइन के ऊपर है कुछ लाइन नीचे है तो यदि आपको दूरी निकालनी है तो सारे एरिया को जोड़ सकते हो, बट आपको विस्थापन निकालना है तो लाइन के ऊपर का एरिया माइनस लाइन के नीचे के एरिया, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि। तो ये आपके सामने एक नई बात आ गई। अब आप क्वेश्चन में आ जाओ, तो कण की गति के वेग और समय के मध्य ग्राफ है, तो खुद कह रहा है ये तेरा वेग है ये तेरा समय है इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल अभी बता दिया भैया तय की गई दूरी। आगे कण की गति के वेग और समय के बीच जो कर्व है तभी बता दिया आपको सारी कहानी वी और टी के बीच जो कर्व कवर करते हैं वो उसके द्वारा डिस्टेंस भी हो भाई वो डिस्टेंस भी हो सकता है वो डिस्प्लेस भी हो सकता है वो डिपेंड करता है क्या डायग्राम इस प्रकार का। आगे चलो भैया 21 में आ गया, ये आ गया ध्यान देना रहे इसमें टी इधर है एस इधर है थोड़ा ध्यान चीज गैस का देना। किसी वस्तु की सरलरेखीय गति में ग्राफ दिखाया गया है तो दोस्तों कोई बात नहीं अपने इसको फील कर लेंगे कि एस और टी ऐसे है। पहला प्रश्न है वस्तु बिंदु ओ से ए तक नियत रूप से बढ़ते हुए वेग में गति करती है, ओ से ए ना ना ओ से ए तो स्लोप जीरो कांस्टेंट है भैया, ओ से ए की स्लोप तो क्या है कांस्टेंट है, तो ध्यान दे क्लास ओ से ए देखना स्लोप इधर से क्या पड़ता है ओ से ए स्लोप कांस्टेंट है तो ओ से ए वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो हमारी पहली बात क्या होगी गलत होगी। दूसरा है वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता ना 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 या कुछ और स्लोप है 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 इसलिए गलत हो गया। और वस्तु की औसत वेग शून्य है ये बात सही है कि दोस्तों यहां से चली तो वापस यही आ गई देखो ए देखना यार एस एस जीरो पे थी वापस लौट के बुद्धू घर को आ गया दोस्तों डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसलिए वस्तु का औसत वेग क्या हो गया शून्य। चौथा और पटले क्या कहता है दर्शाया गया ग्राफ संभव नहीं है, संभव क्यों नहीं है भैया संभव बिल्कुल है कहने बात ही नहीं है तो ये आपके सामने आंसर हो गया। मैंने आपको कंप्लीट ग्राफ पढ़ा दिए पहले तो इसलिए बेसिक चीज आप पढ़ लेते हो ना तो बार बार उन चीजों को फिर पढ़ना नहीं पड़ता आदमी को। बेटा भैया अगला क्वेश्चन निकाल पुत्र फिर वो मेरा क्वेश्चन आ गया किस किसके बीच है देख त्वरण और टाइम के बीच है आ जा तो खुद कहता है A इक्वल टू क्या होता है V by T तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा A मल्टीप्लाई T एक ही बात है जिन दो डेटा के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं उनको गुणा करो उनको गुणा करने के बाद साइड में संख्या आती है ना वही उसके द्वारा कवर्ड एरिया है बस तो तेरे सामने कलर चेंज होगा थोड़ा सा मैं दूसरा कलर कर लूं तो एक बट्टा दो आधार क्या है 11 ऊंचाई क्या है 10 तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ गया 55 आपका आंसर आ गया 55 मीटर पर सेकंड। ये बहुत करप्शन एक ही लॉजिक पे बात चल रही है ग्राफ पढ़ा दिया पूरा भाई नहीं पढ़ने पढ़ा एक बार रिवाइंड करके रिवर्स करके देख ले वीडियो को दो आंकड़े जो है दो डेटा उनका गुणक करो ए से टी गुणा करो अपने आप किसके बराबर हो रहा है वी के बराबर तो उनका जो मल्टीप्लाई है वही उस किस आंकड़े के बराबर है या उसके द्वारा कवर्ड एरिया के बराबर है। ओके डियर आगे चलते अब फ्रेम में आ जाओ थोड़ा फ्रेम में आओ हाँ बेटू ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है विमीय गति को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ देखो दोस्तों ये टी टी कभी नेगेटिव में नहीं होता टी कभी नेगेटिव में नहीं होता टी कभी नेगेटिव में गया तो मैं कौन बच गया अरे टी नेगेटिव में नहीं होता कभी भी टी में इधर कर्व नहीं आएगा पर अपना भी हो जाएगा दूसरे समय रिपीट नहीं होता और समय नेगेटिव नहीं होता और एक समय पे कभी किसी वस्तु के दो वेग नहीं हो सकते और एक समय पे दो वेग नहीं हो सकते समय रिपीट नहीं हो सकता और समय कभी नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए कट गया आगे चल इसको देख ले इसमें देख ये क्या कह रहा है एक समय दो पोजीशन नहीं हो सकती टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता और ये टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता तो अपना भी कौन बच गया भैया फर्स्ट बच गया तीसरी तीसरी बात तो फर्स्ट भी नहीं ये भी गलत है क्योंकि टोटल डिस्टेंस था हमेशा बढ़ती है डिस्टेंस कभी घटती नहीं डिस्प्लेसमेंट घट बढ़ सकता है डिस्टेंस कभी घटती बढ़ती नहीं है इसलिए चारों ही गलत है इसके अरे तो ये ध्यान नहीं है क्यों नहीं हुआ क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता हाँ डिस्प्लेसमेंट आगे पीछे हो सकता है डिस्टेंस का मतलब दूरी तो हमेशा समय और दूरी तो बढ़ते रहते हैं भाई तू चल रहा है मेरी बात तू चल रहा है तो तेरे द्वारा तय की दूरी तो बढ़नी है वो समय एक साथ घटित हो जाएगी। आगे चलो भैया फिर हमारा लाडला प्रश्न आ गया
देखो डियर, एक कण के लिए वेग समय, ये वेलोसिटी टाइम है और त्वरण समय ग्राफ है। तब कण की स्थिति, देखो डियर सुनो सुनो सुनो, ये एक्सीलरेशन और टाइम है, इसका मतलब इस बॉडी का क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट कांस्टेंट, और यहां ध्यान दे क्लास, ये इसकी स्लोप है। लेकिन दोस्तों टाइम जीरो पर नहीं है, तो देखो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका ग्राफ होगा ये वाला पोजिशन और टाइम के बीच का जो कर्व है। देखो डियर क्योंकि स्टार्ट कहां से हुआ, थोड़ा जीरो से नहीं हुआ भाई, थोड़ा सा ये ऊपर से स्टार्ट हुआ है, इससे आपका दोस्तों कर्व हो जाएगा इसका ये। अब ये क्यों नहीं हुआ, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ा सा आपका पैराबोलिक है, तो आपको मैंने पढ़ाया था पोजिशन और टाइम, पढ़ाया था ना मैंने आपको, ऐसे ऐसे मत करो, मैंने कहा था एस और टी के बीच ये कर्व तो नियत वेग को बता रहा है, और ये जो कर्व होता है याद करो वो किसको बताता है, परिवर्तनशील वेग, किसको बताता है, त्वरण को, इसलिए नहीं होगा ना भैया ये होगा। ये क्यों नहीं हुआ, स्टार्ट कहां से हो रहा है, सुनेंगे, ये क्यों नहीं हुआ कि पोजिशन और टाइम के बीच कभी भी इस तरह के कर्व में या तो क्या हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी ना, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ना, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, त्वरण जीरो हो गया, त्वरण जीरो थोड़ा ही है, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां मेन पोजीशन स्टार्ट हुआ, ओरिजिन स्टार्ट हुआ, तो आपका आंसर हो गया सही। कहानी पढ़ रही है, आगे चलो, बात आगे देखो, चित्र एक में दो में अक्ष अक्ष अभी पढ़ाया मैंने वही है, अरे ये अक्ष और टी के बीच है, ये त्वरित है, ये मंदित है, कौन सा आंसर देखना भैया, दोनों कोणों का एक सपना ना, फर्स्ट है वो त्वरित है, सेकंड है वो मंदित है, पढ़ा चुका आपको मैं, ये पढ़ा चुका पीछे आपको, बिल्कुल ये एक्सीडेंट है, ये रिटायर्ड है, ओके डियर आगे चल, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ, आहा क्या बात, फिर देखो ये देखो इसको बढ़ा दो, देख डियर अगला साफ कहता है t बराबर 0 पे कण की गति प्रारंभ करता है, t के साथ देखो दोस्तों 0 से 2 सेकंड तक इसका त्वरण 3 है, फिर ये अपनी दिशा बदल लेता है, 2 से 4 सेकंड तक इसका मंद, अर्थ तो क्या है, देखना ये गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी पर एक्सीलरेट है, ब्रेक लग गए तो अब इसके एक्सीलरेशन, ये ऐसा हो रहा है, पर गाड़ी स्पीड बढ़ रही है, फिर आपके ब्रेक लग गए और गाड़ी किस में आ गई वापस विराम कंडीशन में आ गई। तो दोस्तों देखो 0 से 2 a और t ध्यान दे क्लास, a इक्वल टू v बाई t, तो दोस्तों v इक्वल टू क्या हुआ, a क्रॉस t, a और t का जो गुणा है v बताता है, तो 3 गुणा 2 इसका 6 है वेग, और देखो इसका मतलब ये है कि गाड़ी स्टार्ट 0 से हुई, अधिकतम वेग 6 तक गई और वापस 0 तक आ गई, ऐसा इसमें एक ही ग्राफ है वो कौन है, ये है मेरी क्लास की एक सिस्टम प्रॉब्लम, ध्यान सुनो a और t के बीच कर्व खींचा, पहले 2 सेकंड में गाड़ी क्या हो रही है, त्वरित, फिर ब्रेक लग गए मंदित, बट उसमें वेग क्या है, v इक्वल टू a मल्टीप्लाई t, 3 गुणा 2 कितना हुआ 6, तो गाड़ी कहां से कहां जाएगी, 0 से 6, 0 से फिर वापस कहां पे आएगी, 0 से 0, 6 से 0, ये पहले 2 सेकंड, ये पहले 2 सेकंड, बोलो भाई क्यों है काम की चीज, थैंक यू डियर आ गया भाई। देखो हमारे किशोर ने बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन किया, हम इसके एक पूरा होमवर्क करते हैं, पहले अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन लिमिटेड लेने होते हैं, वीडियो एक सवा घंटे बढ़ा नहीं बढ़ा सकते हैं ना, वो 45 वीडियो आपको देंगे, 35 वीडियो आज आपको दे रहे हैं, आ जा फिर आ जा, फिर मेरे गाग की बात आ गई। अगला कहता ट्रेन किन्हीं दो स्टेशन के बीच की दूरी 2 घंटे तय करती है, अधिकतम त्वरण क्या है, देखो दोस्तों ये स्पीड है और ये टाइम है, तो तू जानता है स्पीड और टाइम के बीच की स्लोप जो कौन होती है, ए, तो इसकी स्लोप ए है, तो देख सबसे स्लोप कहां है, सी से डी लग रहा है, देख भाई सबसे ज्यादा सी से डी लग रहा है, तो सी से डी देखिए नहीं दोस्तों, सी से डी, तो इसकी स्लोप लड़के ध्यान दे, ए ये तो है 20 से 7 कितना बार है 40, और ये तेरा 1 से 1.25, तो 0.25 हो गया, 0.25 हो गया, वो कितना किशोर 20 से 7 कितना है 40 है, वो कितना है पॉइंट 1/4 हो गया 2.5, तो ये 1/4 कर दे, तो इसको 4 से गुणा कर दे, इसका आंसर 160 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, और ये अधिकतम है, आंसर क्या होगा इसका सेकंड। ग्राफ में आपको बेटा जी बहुत ढंग से बता चुका हूं, पहले एक बार ग्राफ पर ले पड़ गया, एस और टी क्या है, वी और टी क्या है, ए और टी क्या है, तो आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी, तो एक बार अपने वीडियो रोक लो और अपनी कॉपी में एस के टी के साथ, वी का टी के साथ, ए के टी के साथ ग्राफ हाथ से बनाओ, ठीक चलो भैया फिर आ गया, फिर त्वरण और समय का ग्राफ, तो ए और टी का ग्राफ किसके बराबर, भूल गया क्या, ए इक्वल टू क्या होता है वी बाई टी,
तो v equal to क्या हो गया, वो तेरा a multiply t, तो दोस्त आ गया, तय कितना, दूरी ना, बल ना, वेग ना, सॉरी वेग में, वेग में, सॉरी वेग में परिवर्तन, एक ही बात है, इसको अपन ऐसे बोलते हैं, e equal to dv by dt, this is dv multiply dt, तो खैर भाषा में बदल जाती है, तो वेग में परिवर्तन, ठीक है डियर। अभी चलो ये देख, किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं, देख डियर, ये ध्यान देना, ये चाल और टाइम का अलग ग्राफ होता है, वेलोसिटी और टाइम, देखो स्पीड और टाइम का अलग ग्राफ आएगा, वेलोसिटी और टाइम का अलग ग्राफ आएगा, तो आपका ग्राफ दोस्तों कौन सा हो गया इसका, थर्ड। लेकिन यही ग्राफ यदि होता वेलोसिटी के साथ है, तो एक बार स्पेस को खाली करने बुला, देखो ध्यान दो, ये टाइम और चाल, पहले चाल और टाइम ले, इसी के नीचे नीचे टाइम और वेलोसिटी का देते हैं, ठीक है। आ जा, एक गेंद ऊपर फेंके वापस आ जाओ, यहां वेग क्या है, मैक्सिमम, घटते घटते क्या हो गया, जीरो, वेग क्या है, मैक्सिमम, घटते घटते क्या हो गया, जीरो, फिर गिनना स्टार्ट, वेग क्या है, जीरो, अधिकतम क्या हो गया, ये, और ये तो जानता, जिस वेग से आती है उसी से वापस जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। अब इधर देखो, यदि मैं इसको वेलोसिटी के साथ, तो डियर यहां इसकी वेलोसिटी है ये कितनी, अधिकतम, यहां पर क्या होगी, जीरो, कलर पेन का कलर चेंज कर लू, तो ये होगी जीरो। अब दोस्तों जीरो से बढ़ना स्टार्ट हुई है, ये लाइन नीचे आएगी, क्योंकि जो ऊपर की ओर है वो नीचे की ओर हो गया, वेलोसिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सुन ले बेटा, ये स्पीड और टाइम का कर्व है, ये वेलोसिटी और है, टाइम का कर्व। इसलिए हमने एक क्वेश्चन दिया, एक में हमारा प्लान था कि एक दोनों की बात हम कर लेंगे आपसे, क्यों भी क्वेश्चन ये बात है। चलो आ जा आगे, चल बेटा, 30 हो गया, 31, आहा क्या बात, मस्त वाला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ए और टी के बीच कर्व है, इसका मतलब क्या है, पहले ए और टी है, ये भी वी है, फिर गाड़ी रुक गई, और ये भी तेरा क्या है, वी है। अब जा जाओ, ए इक्वल टू क्या होता है, वी बाई टी, तो वी इक्वल टू क्या होगा, ए गुना टी, तो ए और टी का जो एरिया है वो किसको बताएगा, वी को। अब तू खुद देख इसका, देख दोस्त, सीधा बात हो थर्ड ऑब्जेक्ट पे, तू स्टार्ट हुआ यहां से, ये तेरा टी है, ये तेरा वी है, पहले नियत त्वरण है, तो तेरे सामने क्या है, नियत त्वरण है, फिर त्वरण जीरो हो गया, तो वेग क्या हो गया, नियत स्थिति। इसमें वैल्यू को देख के देखने पड़ेगी, देख यहां क्या, पहले कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो तू जानता है वी और टी की स्लोप किसको बताती है, एक्सीलरेशन को, ये कांस्टेंट है, यहां ए क्या है, जीरो, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, फिर गाड़ी का स्पीड बढ़ गई, ये तेरे सामने आ गया, ये नहीं हुआ, तो माइनस थोड़ा हुआ है, हां यदि ये लाइन नीचे होती, आंसर होता ना भैया, सही तो नहीं, कुछ और आंसर होता, वो तो नहीं होता, सॉरी वो तो नहीं होता, तो ये आपका आंसर हो गया, थैंक यू। हाँ तो सुनो भाई, 32 पे आते हैं, एक टेनिस की गेंद किसी ऊंचाई से गिराते हैं, तो पहली बात सुनो, ऊंचाई से गिर रही है ना, तो कुछ ही बदल सकता है, त्वरण तो चेंज नहीं हो सकता, तो दो गेंद, क्योंकि जी तो फिक्स है, बाकी दोस्त ऊपर से गिरेगी, फिर वापस ऊपर जाएगी, तो डायरेक्शन बदलेगी, तो विस्थापन बदल जाएगा, वेलोसिटी बदल जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन बदलते ही वेक्टर क्वांटिटी बदल जाती है। बट यार जी क्यों नहीं चेंज हो रहा है, त्वरण क्यों नहीं चेंज हो रहा है, एक्सीलरेशन क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि जी में काम कर रही है, और जी तो हमेशा किधर है, नीचे की ओर, जाते समय भी नीचे है और जाते समय भी नीचे है। ओके थैंक यू, आगे चलो। द इफेक्टिव एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी व्हेन थ्रोन अपवर्ड विद एक्सीलरेशन ए विल बी, एक समान त्वरण ए से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई वस्तु का प्रभावी त्वरण क्या है, जरा मैं आप बताएं किस क्वेश्चन को, आपका क्लियर क्वेश्चन है, आप बताएं इस क्वेश्चन को, भी अपन वस्तु को ए से ऊपर फेंक रहे हैं और इसका जी हो गया नीचे, क्यों, अब ए जब तक बड़ा नहीं होता तब तक तो बॉडी ऊपर नहीं जा पाएगी, इसका मतलब ए यहां पर जी से बड़ा है, बिल्कुल सही है, ए के जी से बड़ा, जी जी लिखा था, जी इसका डाउनवर्ड हो गया, इसलिए इसका ए इफेक्टिव, जिसको अपन कहते हैं जी इफेक्टिव, तो जी इफेक्टिव यहां पे बन जाएगा ए माइनस जी, ए माइनस बस जी, ये हम कल डिस्कस करेंगे किशोर, इसको बेटर हो। देखो दोस्तों वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, जी ने, अब मैंने कल पूछा किशोर से, यार जी माइनस ए क्यों नहीं किया तूने, तो उसने कहा था जी माइनस ए करेंगे तो बड़ा कौन हो गया जी, तो वस्तु ऊपर कैसे जाएगी, फिर तो वस्तु नीचे आ जाएगी, तो दोस्तों बॉडी ऊपर जा रही है, लेकिन एक ऊपर की ओर है, जी नीचे की ओर है, दो बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, तो ए माइनस जी, ऑप्शन क्या हो गया पुत्र, ए माइनस जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो देखो,
एक गुब्बारा ऊपर की ओर जा रहा है, ये गुब्बारा है दोस्तों, ये ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि सर पुत्र 5 मीटर पर सेकंड से गुब्बारे के सापेक्ष एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, दोस्तों पत्थर को ऊपर की ओर फेंका गुब्बारे के सापेक्ष, लेकिन जो पृथ्वी पे बंदा खड़ा है ना उसके लिए वेग क्या हो गया 15 मीटर पर सेकंड। कैसे भाई, आप मान लो मैं गुब्बारे में बैठा हूं, गुब्बारे का वेग 5 है तो मेरा वेग भी 5 है, और मेरी जेब में पत्थर है उसका वेग 5 है, और उसको मैंने और 10 से फेंका गुब्बारे के सापेक्ष, तो यहां जो बंदा खड़ा है वो क्या कहता है, जैसा 5 तो तू पहले जा रहा था, 10 तुम धक्का मार दिया, तो इस आदमी के लिए 15 मीटर पर सेकंड अर्थ सापेक्ष है, अर्थ के सापेक्ष है, तो 15 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर जा रहा है, तो 2 सेकंड पश्चात पृथ्वी के सापेक्ष इसका वेग क्या होगा, 2 सेकंड बाद आगे अर्थ के सापेक्ष वेग क्या होगा दोस्तों, इसका v इक्वल टू u माइनस gt। माइनस क्यों आया, क्योंकि बॉडी किधर जा रही है, ऊपर की ओर, जैसे आपने छोड़ दिया गुब्बारे से ये क्या होगी फ्री बॉडी, किस में गति कर रही है जी में, तो v क्या है निकालना है, u कितना है 15 है, g कितना है 10 है, t कितना है 2 है, दोस्तों इस v का मान आ गया -5 मीटर पर सेकंड। दोस्तों इसका अर्थ यह है कि ये कण आपका जो है ये पार्टिकल दोस्तों ऐसे भी ऊपर जाके वापस गिरना स्टार्ट हो गया, तो माइनस का मतलब पत्थर नीचे आना स्टार्ट हो गया, और अर्थ के सापेक्ष बात कर रहा है, अर्थ के तो पत्थर उसकी ओर ही आ रहा है दोस्तों, देखो गुब्बारे के सापेक्ष कुछ था ना, तब तो इसका वेग है -5 मीटर पर सेकंड, बोला है ना, और अर्थ के सापेक्ष +5 कहेंगे तो माइनस का चक्कर नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ध्यान दे क्लास, ऐसे इसका मतलब पत्थर ऊपर की ओर फेंका ऐसे गिर के ये नीचे आ गया। अब आपको साहब ये नीचे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है इसका मैं कैसे पता लगा, जब मैं इसका पता लगा दूं दोस्त, इसका ऐसे पता लगाएंगे v इक्वल टू यू माइनस जी टी, अंतिम बिंदु जो है वहां v क्या होगा 0, u क्या बोलना 15 माइनस जी क्या है 10, ये तेरा टी दोस्त, टी बराबर 15/10, 15/10 का मतलब 1.5 सेकंड, ये 1.5 सेकंड बाद यहां पहुंच जाएगा, हकीकत ये है ये 1.5 सेकंड बाद ऊपर पहुंच जाएगा, आपको कुल मूवमेंट कितना है 2 सेकंड, तो 0.5 सेकंड और नीचे गिरा है, 0.5 सेकंड और नीचे गिरा है दोस्तों, अब ये ऐसे मान लो कि u बराबर 0 से गिरना स्टार्ट हुआ है और 0.5 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या है, अब फॉर्मूला ऐसे बनेगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, बहुत तेरी बात है, u 0 है, g का मान 10 है, t का मान 0.5 है, देखिए तेरे सामने सम प्लस आ गया, ये क्यों हो गया, कैसे टेक करने का फटाफट चीज भी यार, ओके थैंक यू, नेक्स्ट आ जा भैया, फिर आ स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी, याद सुन रहे, पहले में 1, दूसरे में 3, फिर 5, फिर 7, अगला कहता है अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी का मान प्रथम सेकंड में तय की दूरी के मान के बराबर हो, तो गति में लगा समय क्या है, अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी का मान प्रथम 3 सेकंड में तय की दूरी से, पहला 5 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर 45 मीटर, फिर 80 मीटर, फिर 125 मीटर। देख भाई स्पष्ट सुन ले, प्रथम 3 सेकंड में तय की दूरी कितनी है रे 45, और अंतिम सेकंड दूरी भी कितनी है 45, तो खेल कितने सेकंड का हो गया 5 सेकंड का, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट है, याद रख ले 5, 20, 45, 80, 125 या 5, 15, 25, 35, 45, 1, 3, 5, 7 आगे चलो, निर्वात में मुक्त रूप से गिरती वस्तु क्या दर्शाती है भाई, बताओ उसके जोर से, एक समान्तर वॉक्यूम अगर बॉडी गिर रही है तो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसका, अच्छा थोड़ी क्वेश्चन था ले लिया इसको लोगों ने, आगे चलो, विराम अवस्था से गिरने वाली वस्तु का h ऊंचाई से गिरने पे वेग v हो जाता है, तो कितनी ऊंचाई गिरने के पश्चात उसका वेग, सिंपल क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन, देखो जी विराम अवस्था से गिर रही है वस्तु, h ऊंचाई से गिरने के बाद यहां इसका वेग क्या हो गया v, अब वो कहता है कितनी ऊंचाई से गिरने के बाद इसका वेग क्या हो जाए 2 आ जा भैया, तो h इक्वल टू ut प्लस ना v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, देखो अपना हाथ रुक गया मेरा, अब तू क्या कह रहा है u क्या है रे 0, v स्क्वायर इक्वल टू क्या है dl 2gh, तो तेरे सामने सामने h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है v स्क्वायर, सिंपल सी बात,
अगला कहता है वेग टू वी हो जाए, तो दोस्त वेग टू वी हो जाए तो वी क्या हो गया, रूट एच, वी रूट एच, तो एच का मान चार होगा तो वी का मान दो होगा, तो आंसर क्या हो गया भैया तेरा, फोर एच। सीधी सी बात देख ले यार, एच वी का समानुपाती है तो वी क्या होगा, रूट एच के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, तो एच का मान एक है तब तो वी है, इसको दो कब करें जब वहां चार होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो चार गुना कर दो तो वेलोसिटी क्या होगी, दो। ओके थैंक यू, आगे चले। ये सिंपल क्वेश्चन है, किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वी वेग से फेंकते हैं, ऊपर की ओर गति के अंतिम टी सेकंड है, अंतिम टी लिखा हुआ है, अंतिम टी सेकंडों में गेंद द्वारा तय की गई दूरी क्या है। देखो दोस्तों कहते हैं इफ ए बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड यू द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकंड ऑफ इट्स असेंट इंच, अंतिम सेकंड के द्वारा अंतिम सेकंड में क्या होगी, तो जरा बताओ किशोर किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को, अपन इसको बेसिक करना चाहिए अपने, आ जाओ। ये अपन जानते हैं कि जो मौसम अंडर ग्रेविटी में अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड बिल्कुल सिमिलर होती है, दोनों होती है। अब जैसे अपन इसको एक तो नीचे से, जैसे मान लो अपन यहां से किसी बॉडी को थ्रो करते हैं और फिर इसे करते हैं कैलकुलेशन, तो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाता है, उसमें टाइम लगेगा 5 मिनट। सही मतलब कॉम्पिटिशन नहीं है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि जब ऊपर जाने का पूरा प्रोसेस और नीचे आने का सिमिलर ही है, तो मैं इसको जैसे मैंने पहले कहा था कि अंतिम एक सेकंड में टाइम के डिस्टेंस क्या थी, 5 मीटर थी, 5 मीटर, तो नीचे आने भी 5 मीटर थी। सही है। तो ऐसा यहाँ पर अंतिम टी में जितना यहाँ डिस्टेंस कवर होगा उतना नीचे आने में होगा, होगा और नीचे आने वाला गणना करना आसान होता है हमारे लिए। सही है। तो अपन जैसे उसी को ले लेना, जैसे मान लो यहाँ से मैं रेस्ट से छोड़ूंगी इसी बॉडी को और वो टी समय कितना यहाँ पर उसका डिस्टेंस कवर होता है, तो डिस्टेंस अपन जानते हैं एस इक्वल टू या आपका यू टी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, जीटी स्क्वायर कर दो, एटी स्क्वायर बाय वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास यू तो है 0, इसको दाग कर दो खत्म, और ये आपका हो गया जी हाफ जीटी स्क्वायर, तो बिल्कुल ये सिमिलर है, आप ड्रॉप करेंगे तो यस यस। कल हम दोनों पिता पुत्र शिक्षक स्टूडेंट दोनों डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे लगा कि किशोर ने बहुत अच्छा लॉजिक दिया कि भाई आप किसी बॉडी को यहां से फेंकेंगे तो ऐसे वस्तु गिरती है, तो जो घटना यहां से यहां तक जाने वही घटना यहां से, इधर का अंतिमो सेकंड है, इधर का यहां कुछ अंतिम दो स्टार्ट दो, तो स्टार्ट दो अंतिम तीन स्टार्ट, ठीक है डियर, आंसर क्या आ गया हाफ डिग्री स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो कहता है बॉडी को देखो ऊपर की ओर फेंका आपने, एक बॉडी को आपने ऊपर की ओर फेंका, बॉडी वापस घूम के आई, गई वापस आई, वापस वहीं आ गई, तो एवरेज वेलोसिटी तो क्या होगी भैया, 0। एवरेज चाल की बात कर रहा है, तो डी आने का सब दूरी, ये जाने एक ही बात है, ये टाइम मान लो कि टी, ये टाइम भी क्या आपका टी, तो आपके सामने सामने औसत चाल क्या होगी भैया, कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी क्या होगी, टू डी। कुल समय क्या है, तो समय जानता है, तो v इक्वल टू यू प्लस माइनस एक ही बात जी टी, तो ये 0 हो गया, तो यू बाई जी है, क्या हो गया, टू यू बाई जी हो गया। अब तेरे डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस तो जानता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, ये तेरा क्या हो गया 0, तो u स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2gh, एक बार d बोल देते, तो d की वैल्यू क्या आ गई u स्क्वायर बाई 2g, तो तेरे सामने सामने जो d लिखा हुआ वहां क्या लिख दूं मैं u स्क्वायर बाई 2g, ये तेरे सामने सामने 2u है, ये तेरा g है, तो तेरे सामने 2 से 2 काट दे, g से g काट दे, u से u काट दे, आंसर क्या बच गया u बाई 2, तेरे सामने 0 और u by 2, एक बात है v by 2 बोल दे, 0 और v by 2, यहां मूल बात ये है कि औसत वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ओके आगे चले भैया, अगला क्वेश्चन निकालो भाई भगवान। अब दोस्तों रिलेटिव मोशन पे आ गए, अब अगले 6 क्वेश्चन जो है वो रिलेटिव मोशन पे, इस पे थोड़ा सा ध्यान दे, रिलेटिव मोशन क्या होता है, किशोर इधर आ जाओ, हम दोनों एक बात आप इधर मेरे पास खड़ा हो, हम दोनों ऐसे खड़े हैं, देखो ध्यान दो, आप मेरी स्पीड 5 इसकी स्पीड 5, हम दोनों इधर एक साथ चलना शुरू करें तो हमारे उस स्पीड क्या होगी 0, सापेक्ष 0 होगी, मेरी 5 इसकी 6 और हम दोनों इधर चले, तो मैं चला 5 ये चला 6, तो मेरे सापेक्ष तो +1 है, इसका मैं -1 हूं। अब दोस्तों सपोज करो कि आपका मुंह उधर है, मैं चलूं 5 उधर, मुंह आपका है, तो आपका 6 गए मैं 5 गए, तो एक सेकंड डिस्टेंस कितनी होगी 11, तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी 11 मीटर पर सेकंड, यानी एक दिशा में आप चलते हो तो सापेक्ष वेग होता है v1 माइनस v2, और विपरीत चलते हो तो रिलेटिव मोशन होता है v1 प्लस v2, धारणा चीज का। ओके डियर, बस यही प्रश्न है, पढ़ो क्या कहता है, 50 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां, एक रेलगाड़ी ये है एक रेलगाड़ी ये है, एक की स्पीड दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड है
एक की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, वो कहता है कि एक दूसरे को पार करती है, तो देखो पार करती है तो दोनों की स्पीड होगी 10 से 5 15, लेकिन डिस्टेंस 10 से 15 25 है, लेकिन 50 मीटर की दोनों गाड़ियों को ऐसे पार करने में कुल दूरी 100 तय करनी पड़ेगी, तो डिस्टेंस है 100, स्पीड है 25, आंसर हो गया 4। सर फिर सुन ले, दो ट्रेन है, देखे से ए 50 है ना, तो 50 नहीं है, पूरा पार करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस कितनी होगी 100। वेग क्या हो गया 10 से 15 25, तो वेग है, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव स्पीड है, आंसर क्या हो गया 4। आगे चलो, क्वेश्चन 41, ये रिवर और बोट पे क्वेश्चन आ गए, हम दोनों गुरु शिष्य मिलकर आपको इसको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, समझ आपके आ जाएगा। देख डीएबी क्वेश्चन क्या कहता है, छोड़ा आप पेज खाली करेंगे, देखो डीएबी एक नदी है, इस नदी में आप नदी बह रही है, देखो नदी बह रही है, आप यहां इंटर करके भी यहां जाना चाहें तो आप एक ताकत लगा के यहां जाना चाह रहे हैं, बट आपकी ताकत का एक हिस्सा पानी का बहाव जो आपको उधर बहा के ले जा रहा है उसमें दोस्तों खर्च हो जाएगा, तो हम ये कहते हैं कि माना कि ये तैराक जो है वो यहां किसी व्यू वेग से इंटर कर रहा है, इसके साथ इसका एंगल थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट यू कोस थीटा तो इसको नदी पार करवाएगा, पर इसका एक कंपोनेंट दोस्तों यू साइन थीटा जो है वो नदी की जो स्पीड है वी इसको खत्म करने में खर्च होगा, तो दोस्तों बहुत प्यारा पॉइंट बनता है यू साइन थीटा इक्वल टू वी, तो दोस्तों साइन थीटा इक्वल टू वी बाई यू, ध्यान देना यू स्विमर के विषय लिया मैंने, वी नदी का वेग लिया मैंने, डिपेंड आप पे करता है, ध्यान दो क्लास का, मैं यहां यू वेलोसिटी से एक व्यक्ति थीटा एंगल, एंगल में कहां से लिया है परपेंडिकुलर से, न कि नदी के भाव से, तो नदी के भाव से लोगे तो ये कोस हो जाएगा, ये साइंस से क्या पढ़ने वाला है, इसका एक कंपोनेंट वी साइन थीटा यू साइन थीटा किस में खर्च होगा दोस्तों, इस वी को खर्च करने में खर्च हो जाएगा, और एक कंपोनेंट वी कोस थीटा है वो नदी को पार करवाएगा, बस इसमें इतना ही खेल है साहब इतना, और ये अल्टीमेट आदमी किस थीटा पे प्रवेश कर रहा है, लेकिन ये व्यक्ति दोस्तों ठीक सामने वाले कोने पे जाके पहुंच जाएगा, इसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस कवर करके नदी पार करना, ठीक है डियर, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। अब यदि मैं इसी क्वेश्चन को ये कहूं कि साहब मैं तो यहीं प्रवेश कर रहा हूं, तो ये पानी दोस्तों धक्का मार के मुझे यहां ले जाएगा, पानी मुझे धक्का मार के वहां ले जाएगा, यहां नहीं ले सकता मैं, क्यों धक्का मारेगा पानी, मैं वहां जाऊंगा, तो वो था, ये था मिनिमम डिस्टेंस और वो है मिनिमम टाइम, क्योंकि पानी का धक्का भी आपको बाकी ले जाएगा, तो दोस्तों ये मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम टाइम के दो अच्छे खासे आप क्वेश्चन बन जाते हैं, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है यू साइन थीटा इक्वल टू वी, और ये दोस्तों कौन आपका यू कोस थीटा है, डिस्टेंस कितनी है ये डी, तो यहां जो टाइम लगता है आप जानते हो वेग बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा वेग, तो दिस इज डी अपॉन यू कोस थीटा, दिस इज टी नॉट टी, ये क्या है, ये समय है किसके लिए, मिनिमम डिस्टेंस का, ये समय किसका है होगा, किसका सॉरी सर मिनिमम डिस्टेंस का है, न्यूनतम बात करो, हाँ एक बार न्यूनतम बोल दो। अब दोस्तों यदि हमें यहां तो पहुंचना नहीं है, देखो यहां पहुंचना है तब तो हमें किसी एंगल प्रवेश करना पड़ेगा, लेकिन हमें यदि कम से कम सब नदी पार करनी है तो नदी का भी धक्का मेरे को, अभी तो क्या हम नदी के धक्के का विरोध किया, तो विरोध किया तो भैया मेरी एक ऊर्जा, मेरा एक वेग का कंपोनेंट उस नदी के बहाव का विरोध करने में खर्च हो गया होगा, कहने का मतलब मेरे वेग थोड़ा सा कम काम आएगा, यहां मैं नदी के साथ चलता सुन जाता हूं, तो भैया कहते ना साथ चलो हवा के, तो हवा साथ देती है, तो दोस्तों पी से फिर ये क्यू पे आपको जाना है, मान लो इसको आप बी कह दो, ये दूरी पूछता कई बार बताओ अक्ष कितना दूरी पे आगे जाके मिलेगा और वो आपकी जो समय है वो कितना होगा, तो समय तो भाई वही रहेगा, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ इसमें बन जाती हैं, इस स्पीड को अपन दोस्तों कुछ कह दें तो आप जानते हो ये नदी का वेग है, ये व्यक्ति का वेग है, तो दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हैं लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं भैया, आ जाओ चलो भैया, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर 5 मीटर प्रति मिनट की चाल से बह रही है, स्थिर व्यक्ति स्थिर जल में 10 मिनट प्रति मिनट के वेग से तैर सकता है, तो न्यूनतम पथ से नदी को पार करने में उसे कैसे तैरना होगा। देखो थोड़ा सा मेरा बहुत इजी अपनी बात कर रहा हूं मैं, ये आपके सामने वो डिस्टेंस है और ए मैं कहता हूं, वो कहता है न्यूनतम पथ से नदी को पार करने में उसे तैरना होगा धारा की दिशा के साथ, तो ये एंगल मान लो कि आपका थीटा है डियर, ठीक है डियर, तो आप खुद कह रहे हैं कि नदी किधर बह रही है, पश्चिम से पूर्व, ये नॉर्थ
ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो नदी आपकी पश्चिम से पूरा बह रही है, दिक्कत ही नहीं है। 5 मिनट प्रति मिनट से बह रही है, व्यक्ति 10 मिनट प्रति मिनट के वेग से इसमें तैर रहा है, तो ये व्यक्ति का वेग क्या है 10। ओके डियर, तो तेरे सामने सामने ये क्या बना, 10 × sin θ = क्या है 5। ये ले भैया, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और साइन थीटा 30, तो 30 डिग्री धारा की दिशा में इसके सामने आ गया। एक मिनट, यहां गलती हो गया, 30 डिग्री नहीं, ये एंगल कितना है भाई 30 डिग्री, 30 डिग्री है ना। अब वो कहते 30 डिग्री धारा की दिशा में ना, 60 डिग्री धारा की दिशा से, ये धारा की दिशा है, तो 60 डिग्री धारा की दिशा से। अगला है 120 डिग्री धारा की दिशा में, तो आंसर क्या देंगे इसका पढ़, थर्ड 120 डिग्री, क्यों भाई 90 डिग्री हो रहा है, 90 + 30, तो 120 डिग्री धारा की दिशा में तैरेगा, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। इसमें ये डाउनस्ट्रीम, हां अपस्ट्रीम और नॉर्मल स्ट्रीम, नो तीन स्ट्रीम होता है, नॉर्मल से होता ना तो आपका 30 हो जाता है, 30 हो जाता है। डाउन से देखो यहां से एंगल आपका 30 + 90, आंसर क्या आ गया 120। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एक ही बात समझनी है कि हमारा एक कंपोनेंट जो है ना वो नदी के बहाव को खत्म करेगा, सीधी सी बात है। इसमें जैसे बॉस उस बात में बहुत इंटरेस्टिंग चीज बनती है, हाँ। कि मान लो जैसे अपन का ये वी रिवर, ठीक है, और ये आपका बन गया जो बैलेंस करने वाला कंपोनेंट, कंपोनेंट यस भाई देवे, ये कंपोनेंट मान लो बड़ा हो गया, हाँ। तो इसका जो फ्लक्स होता है प्रवाह, हाँ, वो जो बोलते हैं वो इस तरफ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और अगर ये वाला बड़ा हो गया छोटा वाला, लेकिन वो फिर मेडिकल में नहीं बनेगा, वो आईटी सिंपल अपने को सोच रहे हैं, मेडिकल में सिंपल अपनी सीधी सी बात है, आप नदी के साथ बह रहे हो और आपकी स्पीड नदी से ज्यादा है, उल्टी है, तो नदी क्रॉस कर लो, सिंपल सी बात है, ये तो बात करना चाहते हो आपको, तो ये दोस्तों इसमें ध्यान रखना है, इसमें 120 डिग्री जो आंसर है, गलती मत करना भाई, आपका 30 डिग्री आ गया, लेकिन 30 डिग्री एंगल आपको हमने साफ साफ बना के दिखा रखा भाई, 30 डिग्री एंगल जो है वो बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है डियर, वो तो वहां से है, पर आपका आंसर वहां से नहीं आएगा, 30 डिग्री आंसर नहीं, आपका आंसर है 120 डिग्री, 90 + 30 डिग्री आपका आंसर आएगा इसमें, क्लियर, बिल्कुल, ओके थैंक यू, आगे चले, अब आगे आ जाओ, ये एक शानदार क्वेश्चन है, देखो इसका मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं, आप तो जैसे जैसे अगला कहता लिखते जाओ, एक चोर जीप में 9 मीटर/सेकंड की चाल से सिर से भाग रहा है, ये चोर भाग रहा है कितने 9 मीटर/सेकंड भाग रहा है, पुलिस का एक आदमी मोटरसाइकिल पे 10 मीटर/सेकंड चाल से पीछा कर रहा है, ये कोई एक मोटरसाइकिल मान लो इस पे बंदा बैठा है, इसकी स्पीड क्या है 10 मीटर/सेकंड, यदि किसी क्षण उनकी दूरी 100 मीटर है, तो बताओ चोर को पकड़ने में बुद्धि मत लगा, इसमें मतलब फीस मत लगा, दिमाग सिंपल सिंपल दिल लगा, देख ये चल रहा है 2 मीटर, ये चल रहा है 10 मीटर, तो हर 1 सेकंड में चोर और सिपाही के बीच दूरी कितनी कम होगी 1 सेकंड, तो कुल दूरी कितनी तय करनी है 100 मीटर, तो आंसर क्या आ गया 100 सेकंड, सिंपल बात। अरे फिजिक्स बहुत आसान है, वंडी को यदि तुम मन से करोगे तो वंडी बहुत ईजी है, खुद देखना ये 1 सेकंड में 2 दूरी चल रहा है, ये 1/10 चल रहा है, तो हकीकत देखा जाए तो 1 सेकंड में पुलिस उसको 1 मीटर कवर कर रही है, तो 100 मीटर कवर करना पुलिस को तो कितना चलेगी 100 सेकंड, सिंपल सी बात है, आगे चलो, फिर आगे आपका इसको आप करेंगे ना वाले को, मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को पूरे को आप फोल्ड करें, क्वेश्चन अपना है द स्पीड ऑफ ए बोट इज 5 km/h इन स्टिल वाटर, इट क्रॉसेस, ये हम आपको डायग्राम बना देते हैं, इट क्रॉसेस ए रिवर ऑफ विड्थ 1 km अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट्स, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इज, तो पहले बच्चों समझो, ये एक नदी है जिसमें स्थिर जल में नाव की चाल है 5 प्रति घंटा, न्यूनतम दूरी के साथ, न्यूनतम दूरी का मतलब कहानी इस पे आगे किसी से बात है, ये न्यूनतम डिस्टेंस है, न्यूनतम डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस कितनी है ये 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है, इस एक को 15 मिनट में पार करता नदी के जल का वेग क्या था बता दो, अब जैसे डिस्टेंस अपने को मिल गई टोटल 1 किलोमीटर, डिस्टेंस आपके पास है 1 किलोमीटर, और इसको क्रॉस कितने टाइम में करना है 15 मिनट्स, यानी 1/4 आवर, 1/4 आवर, अच्छा आवर क्यों बोल रहे हैं, आंसर हमारे आवर से इसलिए, तो टाइम जो इसमें, और टाइम हमेशा इन प्रकार के प्रश्नों में क्रॉस होता है, क्या है कि जो डिस्टेंस और इस दिशा में इसकी नेट स्पीड क्या है वो हमेशा होता है सर, बस ये इसका कॉन्सेप्ट पकड़ना होता है, चलो जाओ तो इसमें हम जैसे अब इसका स्पीड निकालेंगे, इसका वी नेट मेन खेल इसी का ही है, तो अगर मैं इसका वी नेट है वो फाइंड करता हूं, तो वो मेरे पास कितना डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारे पास है 1 किलोमीटर, ये 1/1 ताकि उसी रूप में हो जाए, ऐसे कर ले कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया बस अपने 4 किलोमीटर पर आवर,
बराबर बिल्कुल डाटा सारा 3-4-5 वाले पे टिका हुआ है, सही है, इसलिए वहीं से इसको लेते हैं, तो फालतू इसको लेने पढ़ना है जी। अब मैन कहता है द स्पीड ऑफ ए बोट इज, तो उसने चलना तो न्यूनतम पाथ के लिए। अब एक मिनट मेरी बात को क्लियर कर दूं कि आपको यहां पहुंचना है तो ये तो कॉमन याद रखना पड़ेगा भैया, ये रूल है, यदि यहां पहुंचना तो एस एंट्री करनी पड़ेगी, वो स्पीड कितनी है तेरी 5, ये तेरी कितनी है 4, तो कॉमन सेंस की बात है कि तू इसको थीटा बना ले यार, इसको तो थीटा बना ले, क्यों वही तो बात करना चाहता है, ये थीटा बनाएगा तो बस अभी चल, ये स्पीड होगी आपकी, बस ये पूछिए आपको, तो स्पीड कितनी होगी भैया 3 होगी, सिंपल क्वेश्चन होगा, आया ना। Yes. देखो एक बार सुनो, मैंने आपको इस तरह किशोर को इस प्रकार कि आप इसको डिस्कस करें, देखो डियर नदी पार हो रही है, अगला सांप कहता है कि मिनिमम डिस्टेंस का मतलब डायग्राम यही है, ये गांठ मान ले क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस तभी हो तो ये डिस्टेंस 4, क्यों अगला खुद कहता है 1 किलोमीटर है 15 मिनट पार पर नहीं है तो ये चाहिए मिनट में था आवर्स मान सुनके चेंज कर दिया तो 4 पर आवर ये कितना है 5, ये हमेशा कौन है ये स्थिर जल में नाव या आदमी की स्पीड है ये 5 ये 4 ये कॉमन सेंस की बात करें कितना हो गया 3 हो गया देख डियर ये ऐसा प्रश्न है ये आगे चलो भाई देखो डियर साहब कहता है तैराक स्थिर जल में वी चाल से तैर सकता है और इस तरह की जब भी बातें आती है ना यार तो थोड़ा कलर चेंज करके इस तैराक को आप ऐसे घुसा बात है एक तैराक स्थिर जल में तो ये तो है बी ठीक है डियर और नदी की चाल क्या है V/2 इस बात का दिमाग मतलब फिक्स है अब नदी को न्यूनतम दूरी में पार करने के लिए तैराक को धारा की दिशा कौन है ये इसके विपरीत चलना आपको इधर बनना ये तो ना तो ये एंगल काउंट होगा ये तो ये एंगल आपका काउंट ये होगा साफ कहता है धारा की विपरीत दिशा थीटा कोण तो थीटा ये है ये नहीं तो दोस्तों ये कंपोनेंट क्या आ गया v cos थीटा और ये कंपोनेंट क्या आ गया v sin थीटा तो अब कहने का मतलब तेरे को ये डिस्टेंस पार करनी है ना यार yes, तो v cos थीटा तो इसमें खर्च हो रहा है अपना जरूरत नहीं इसकी तो आपका ये निकालना इसमें माना कि आपको लाइफ टाइम लग रहा है t1 तो पुत्र t1 वेग बराबर दूरी बटा समय दूरी बटा वेग तो दूरी क्या है d और वेग क्या है v sin अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं इसका अब देख अब अगला कहता है कि न्यूनतम समय में तो ये ये लोग तो रिजल्ट ना वही रहेगा बस सीवी का भी इसी बात है जो आदमी का है दूरी कितनी है टी तो इसको आप ऐसा करो t2 कह दो तो t2 क्या हो गया d/v बट इसने t2/t1 पूछ लिया इसने क्या पूछ लिया t2/t1 तो t2 क्या है d/v और वो तेरा क्या है d/v sin थीटा ये सब कैंसिल आउट हो गए तो दोस्तों आपका आंसर आ गया कलर चेंज करते पहन कर लिए sin थीटा ये लोकेशन है न्यूनतम पाथ की ये लोकेशन है न्यूनतम टाइम की बस क्लियर बस मजा आ गया ज्यादा चक्कर मत पड़ना मेडिकल की तैयारी कर रहे वाइट नहीं कर रहे आगे चलो अब आ जाओ 45 ये मेरा बहुत प्रिय प्रश्न है एक बात सुनो इस प्रश्न को पढ़ने से पहले आप एक कास का फंडा पढ़ लो कास जैसे मैं लिखूं V12 तो इसको ऐसे बदलो एक का कलर चेंज कर दो एक का इसका हिंदी है एक का दो के सापेक्ष काश एक का दो के रेस्पेक्ट में एक का दो के रेस्पेक्ट में कास का फंडा पहले लिख लो और बाद को बात मार लो क्योंकि अभी तो बड़ा फंडा है यहां देखो बोट वाटर बोट ये बोट का वाटर के सापेक्ष ये वाटर का बोट के सापेक्ष और दोस्तों इसका फॉर्मूला जो बनता है वो होगा V1 - V2 सिंपल सी ये काम आया आ जाता पार्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक नाव जमीन के सापेक्ष जमीन तो होती कहीं बात ही नहीं तो नाव मतलब बोट बोट है 3i + 4j गतिगत और नदी के पानी का जमीन के सापेक्ष यानी वाटर का -3i - 4j अब वो कहता है नाव का पानी के सापेक्ष लड़के नाव का पानी के सापेक्ष Vb - Vw तो Vb क्या है बोरा 3i + 4j -+ हो गया 3i + 4j
इट बिकम्स 6i+@j 6i+@j इसमें ए की बात है कास, एक का दो के सापेक्ष में तो बहुत मुश्किल है। देखो पहला नाव का जमीन के सापेक्ष, तो ये बोट का अर्थ के सापेक्ष, वाटर का अर्थ ग्राउंड का, सॉरी इसको जी लगाते हैं, बोट का ग्राउंड के सापेक्ष अर्थ नहीं है, क्योंकि जब सब कुछ के सापेक्ष है अर्थ के सापेक्ष है, तो VB-VW बोट का नाव का पानी के सापेक्ष, ये रहा नाव का पानी के सापेक्ष, क्यों बेटा इसमें ये ऑब्जेक्ट भी है और ये ऑब्जेक्ट भी है, एक को ठीक करना टेढ़ा मामला थोड़ा सा, घबराना मत, उल्टा पूछता तो ये उल्टा जाता है। आगे चलो। हाँ तो ये बारिश और छाती प्रॉब्लम है, मैं चाहूंगा आप इसको आप करें, आगे आप इसकी समाप्ति करेंगे आज के टॉपिक की। तो क्वेश्चन था, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रॉड होल्ड्स हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे, he throws the umbrella and starts running at 10 km per hour, he finds that rain drops are hitting his head vertically। अब जैसे इन प्रकार के प्रश्नों में बारिश कहां उसको हिट कर रही है, मैंने पहले देखो पूरे बच्चों का चले अभी बोल, पहले बच्चों पूरी बात समझो, सड़क पे एक व्यक्ति खड़ा है, वर्षा से बचने कुछ छाता है, वो एक उर्दू आदमी से पकड़ रखा है, तो मेरे हिसाब से अपन इसको ऐसा डायग्राम बना देंगे कि ये आदमी जो है इसने एक छाता ऐसे उर्द्वाधर से ऐसे पकड़ रखा है, सीधी सी बात, ये छाता पकड़ रखा है और वो छाते को फेंक देता, बंदा छाते को फेंक के 10 मीटर पर आवर के स्पीड से भागना स्टार्ट करता है। अब यदि वर्षा की बूंदे उसके सिर पे उर्द्वाधर पड़ रही है तो वर्षा की बूंदों का जमीन के सापेक्ष चाल क्या, अब सुन रहे भाई, अब जैसे इस तरफ इसने रेस्ट कंडीशन कर रखा था ना, इसका मतलब बारिश इस तरफ हो रही है, यस बारिश उर्द्वाधर की, एक तरह से रेन का रियल स्पीड है, रियल स्पीड, यस चले आगे चले। अब जैसे मैन मोशन करना शुरू करता है तो उसकी स्पीड हो गई वी मैन, ये सर अब वी मैन इस तरफ है और ये वी रेन था, सही है। अब फाइनली रेन मैन के रेस्पेक्ट में कैसे होनी चाहिए, वो कह रहा कि छाता है वो वर्टिकल होना चाहिए, येलो साहब, तो ये क्या बन गई, ये है रेन का मैन के रेस्पेक्ट में स्पीड, ठीक है। बस अब अपने वेल दे रखे सारी पुट कर दीजिएगा, चलो अब देखो ये कह रहा है वर्टिकल से एंगल 30, इस एंगल 30 होने भी आपका 30 एंगल हो गया, ठीक है। अब बताइए साहब VM अपने को दे रखा है, अपने तो कर दो ना, फिर तो आपके पास ये है और ये है, तो क्या बना आपका, ये अपने पास तो वैल्यू थी 10 होगी इसकी, ये 10 हो गया, अपने पूछा है VRAN, तो रेन आपको निकालना है, ये अपने पास है VRAN और ये हमारे पास है वैल्यू 10। अब इसमें देखो हमारे पास है लंप और ये करंट, साइन हो गया, साइन हो गया, ए ये लो, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 10/VR, 10/VR और VR की वैल्यू क्या है, साइन आपका होगा 30 साइन 30 है, पहले से पता है 1/2, तो दोस्तों आपकी VR की वैल्यू क्या आ गई भैया, 20 आ गई सीधी सी। तो ये बारिश और छाते की दो प्रॉब्लम थी, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, चार पांच क्वेश्चन मतलब चार पांच रह गए हमारे, तो हम फ्रिक्शन और सेंट्रो मास के साथ आपको 1D के कुछ क्वेश्चन और देंगे, ठीक है ना, इस वीडियो को तो बहुत लंबा नहीं कर सकते। ओके थैंक यू, जय श्री कृष्ण।